No. क्या है, बोला चेक करो। ही नहीं, मैं प्रेस करा था क्या? काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, यूट्यूब का काउंटडाउन स्टार्ट होना चाहिए। हाँ उसी पे वो हेलो हो गया, हो गया, लाइव आ गया, आया। तो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका सीटन एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं तुम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो कि बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। सो उसको अच्छे से एकदम मस्त उसको करके जाने का, और इतना अच्छे से करके जाने का ना कि मतलब वो क्वेश्चन आया ना कि ऐसा हाथ जो है वो अपने आप चलना चाहिए, ठीक है? इतना सही करके जाने का अपने को। ओके सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले मेरे को एक मिनट, मेरे को ना की ये लेने दो। ओके ठीक है, 2 मिनट आ बस मुझे ये सेट करने दो। इग्नोर वेट। ओके सो आपका पेपर जो है केमिस्ट्री का वो परसों है। परसों मतलब 20, आज 27 है राइट, 29 को आपका पेपर है। और ये जो पेपर होने वाला है आपका 29 को, उसको ना एकदम सही से देना है, बिना डरे देना है। बहुत इजी पेपर आने वाला है। देखो सिंपल, हम लोग के जो कॉन्सेप्ट्स जो जो मैं आज बताऊंगा वो क्वेश्चन अगर करके जाओगे ना तो पेपर इतना ईजी जाएगा ना कि मतलब पूछो ही नहीं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर जैसे कि आपको पता रहेगा, पूरा साल पढ़ा है मतलब पता होना चाहिए। फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर मतलब होगा सॉलिड स्टेट। क्या होगा? सॉलिड स्टेट, राइट? सो सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है वो तुम लोग का है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। क्या है तुम लोग का क्वेश्चन उसमें? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। ओके सो ये जो तुम लोग का स्मॉल सा डिफरेंस बिटवीन है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस बिटवीन है, ये आने के चांसेस है, ठीक है? और इसमें डिफरेंस बिटवीन जब तुम लोग करते हो तो डिफरेंस बिटवीन में देखो, डिफरेंस बिटवीन में तुम लोग को क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलरिटी होती है, पीरियोडिसिटी होती है। उसके साथ साथ अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करो तो इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज इट इट शोज द प्रॉपर्टी दैट इज नथिंग बट वॉट, अनआइसोट्रोपिक। अभी सिंपल है, देखो हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने पॉइंट्स पढ़े, रेगुलरिटी पढ़ी, पीरियोडिसिटी पढ़ी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट पढ़ी और अनआइसोट्रोपी पढ़ी। अभी अनआइसोट्रोपी का वो लोग अलग से क्वेश्चन 1 मार्क के लिए दे सकते हैं, डिफाइन अनआइसोट्रोपिक, ठीक है? सो अनआइसोट्रोपी मतलब होता क्या है, देखो, ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर्स आर अनआइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। मतलब अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन के हिसाब से उनकी जो प्रॉपर्टीज है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉलिड की, वो भी चेंज होगी, ठीक है? तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी का हम लोग क्या बोलते हैं, अनआइसोट्रोपिक, ठीक है? सो ये जो अनआइसोट्रोपिक है इसके ऊपर तुम लोग का 1 मार्क का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। याद क्या रखोगे, अनआइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी। ओके सो ये तुम लोग का क्रिस्टलाइन के पॉइंट्स हो गए। उसके साथ साथ अभी क्रिस्टलाइन के पॉइंट्स के बाद तुम लोग क्या लिख सकते हो, अमरफस के बारे में लिख सकते हो। अमरफस के बारे में तुम लोग क्या लिखोगे, अमरफस के बारे में तुम लोग लिखोगे उसका उल्टा। उसका उल्टा मतलब कैसे लिखोगे, तुम लोग अमरफस के बारे में लिखोगे कि अमरफस सॉलिड्स मतलब क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट। उसमें क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट था, उसमें पीरियोडिसिटी थी, इसमें कुछ भी नहीं रहने वाला, ठीक है? अमरफस सॉलिड डू नॉट हैव, देखो उसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे क्या रहने वाला है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहने वाला है, ठीक है? उसके साथ साथ उसमें अनआइसोट्रोपिक थी। अनआइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या रहने वाला है, अमरफस में आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रोपिक मीन्स प्रॉपर्टी, सो सेम डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी रहने वाली है किसमें, अमरफस सॉलिड में रहने वाली है, ठीक है? सो ये तुम लोग लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन, छोटा सा डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क के लिए तुम लोग को आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो है तुम लोग को इसमें आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंस, डिफरेंस इन द सेंस तुम लोग को डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जा सकता है,
कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. सिंपल सा डिफरेंस है, समझ के ले लो क्या होता है. देखो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देखो आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है क्रिस्टल, ठीक है, मॉर्फिज्म का मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है. सो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है, दो या दो से ज्यादा है, राइट, लेकिन राइट समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम. सो तुम लोग का सब्सटेंस अलग अलग है, सॉलिड अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, सेम है. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म. स्ट्रक्चर सेम मतलब आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है. तो इसके एग्जांपल्स क्या है, NaF है, MgO है, NaNO3 है एंड CaCO3 है. ये जो आइसोमॉर्फिज्म के पेयर है इनमें अगर तुम लोग एटॉमिक का रेशियो देखोगे तो सेम आएगा. जैसे Na कितना है, एक है, F कितना है, एक है, तो 1:1 आ गया. सिमिलरली MgO में Mg कितना है, एक है, O कितना है, एक है, तो 1:1 आ गया. समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है. और पॉलीमॉर्फिज्म की जब बात करेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में वन सिंगल कंपाउंड, सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, क्या करने वाला है, सिंगल सब्सटेंस क्या करने वाला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं वो, डिफरेंट स्ट्रक्चर. देखो बहुत ही स्मॉल सा डिफरेंस है और ना कंसेप्चुअल डिफरेंस है, मतलब समझ में आएगा ऐसा डिफरेंस है. ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं, ठीक है. देखो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने चाहिए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के, ठीक है. क्या बोला मैंने, सब्सटेंस मतलब जो तुम लोग के सॉलिड्स है वो अलग अलग रहेंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, ठीक है. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, सब्सटेंस एक ही रहेगा, स्ट्रक्चर जो रहेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, सब्सटेंस क्या रहने वाला तुम लोग का, एक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे. अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ रहा है. इसमें सब्सटेंस भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, सेम. इसमें सब्सटेंस एक ही है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, इतना समझ के ले लो, राइट, ओके. सो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, कैल्साइट है, अर्गोनाइट है, आर टू फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इसमें अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स एंड क्रिस्टोबलाइट, ये तीन याद रखो, ये तुम लोग को है ना वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है. क्या पूछा जा सकता है, तुम लोग को ये पूछा जा सकता है कि पॉलीमॉर्फ ऑफ सिलिका बताओ. क्या बताओगे, पॉलीमॉर्फ ऑफ सिलिका, या फिर सिंपल डायरेक्टली पूछा जाएगा डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स ऑफ सिलिका बताओ. तो तुम लोग को क्या क्या बनाना है, अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स एंड क्रिस्टोबलाइट, ठीक है. चलो अभी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, जो एलिमेंट्स में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एलोट्रॉपी. सो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, इसमें आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. जब मैं आइसोमॉर्फिज्म की बात करूंगा तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे लेकिन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, इन शॉर्ट दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या रहेगा, सिंगल सब्सटेंस होगा उसके ज्यादा ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है. चलो तो ये तुम लोग का इस वाले टॉपिक में ये वाले पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट. चलो आगे देखते हैं और क्या है, ओके. इसके बाद तुम लोग को आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें तुम लोग आयोनिक सॉलिड्स के बारे में बताओगे एंड उसके बाद कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, उसके साथ तुम लोग को है ना हाँ, इसमें तुम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो बताता हूँ मैं, ठीक है. तो इसमें तुम लोग को है ना डायरेक्ट तुम लोग को है ना सॉल्ट्स दिए रहेंगे, सॉल्ट्स इन द सेंस तुम लोग को है ना कंपाउंड्स दिए रहेंगे, ठीक है. क्या दिए रहेंगे, कंपाउंड दिए रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम लोग को, यहाँ पे लिख रहा हूँ NaCl दिया है तुम लोग को, ठीक है. यहाँ पे तुम लोग को दिया है फॉर एग्जाम्पल ना बोरॉन नाइट्राइट दिया है. क्या दिया है, बोरॉन नाइट्राइट. तुम लोग को पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स बताओ, मतलब क्लासीफाई करो डायरेक्ट, ठीक है. तो मुझे सिंपल पता है, क्या पता है मुझे, NaCl जो है वो क्या आता है, आयोनिक सॉलिड के अंदर में आता है. बोरॉन नाइट्राइड जो है वो कोवलेंट सॉलिड के अंडर में आता है, ठीक है. तो ये सिंपल ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को पूछा जाएगा. तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए तुम लोग को ये जो एग्जांपल्स दिए हैं आयोनिक सॉलिड के वो पढ़ के लेने हैं, समझ के लेने हैं. अभी सॉल्ट जो होता है वो मोस्टली आयोनिक ही होता है, तो NaCl, K2SO4, CaF2KCl, तो ये जितने भी तुम लोग के सॉल्ट रहेंगे ये किस में आएंगे, आयोनिक क्रिस्टल में आएंगे. अगर मैं तुम लोग के ऊपर कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड की बात करूं तो कोवलेंट नेटवर्क में तुम लोग के कार्बन के कंपाउंड्स वगैरह आएंगे, जैसे डायमंड हो गया, ठीक है. क्या हो गया, जैसे डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, बोरॉन नाइट्राइड हो गया एंड कार्बोरेंडम एक्सेट्रा. तो ये जो है, ये कार्बोरेंडम अच्छे से देख के जाओ, थोड़ा अलग लग रहा है ना, तो ये पूछ सकते हैं तुम लोग को, ठीक है. तो ये जो कार्बोरेंडम है ये क्या है, ये किसके अंडर में आते हैं, ये कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल सॉलिड के अंडर में आते हैं, ठीक है. चल आगे देखते हैं, ओके. और इसमें तुम लोग को मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के भी एग्जांपल याद रखने हैं. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कौन से इंटरैक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होता है, वेरी वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस होते हैं, राइट. इसके एग्जांपल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम लोग को पता होने चाहिए. मॉलिक्यूलर के एग्जांपल्स जो है
वो सिंपल है, H2O है, NH3 है, HF है, तो ये तुम लोग को पता होनी चाहिए, राइट। चलो मेटालिक क्रिस्टल की जब मैं बात करूंगा तो मेटालिक क्रिस्टल की, मेटल्स की तो प्रॉपर्टी तुम लोग को ऑलरेडी पता है, मेटालिक क्रिस्टल्स में मेटल्स आने वाले, तो उसके एग्जांपल्स एज सच इतने कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें कि क्या सर क्या बताएंगे हम लोग, तो मेटल मतलब मेटल होता है, मेटल के एग्जाम्पल्स तुम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे जब हम लोग आते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे तुम लोग को पूछा जाएगा यूनिट सेल का डेफिनेशन। क्या पूछा जाएगा? यूनिट सेल का डेफिनेशन। तो यूनिट सेल मतलब क्या होता है? यूनिट सेल का डेफिनेशन मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। इसका मतलब क्या होता है? देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो बड़ा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो बड़ा होता है, राइट। और क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना हुआ है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो यूनिट सेल से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? सर बहुत सारे यूनिट सेल्स एक के पीछे एक, एक के बाजू में एक, ऐसे अरेंज होते हैं, और जब ये यूनिट सेल्स अरेंज होते हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो यूनिट सेल क्या होगा? यूनिट सेल मतलब तुम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड बना किससे? यूनिट सेल से बना है। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है? इट इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट कर रहे हो तुम लोग, स्ट्रक्चरल यूनिट किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, तो ये तुम लोग का डेफिनेशन हो जाएगा किसका? यूनिट सेल का। ओके चलो, इसके बाद क्या करना है तुम लोग को? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पे आना है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पे तुम लोग को पूछा जाएगा प्रिमेटिव और सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फेस सेंटर्ड एज वेल एज बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तुम लोग को है ना मोस्टली इसके इसके और इसके ऊपर, ये तीन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ये जो तुम लोग का फोर्थ वाला है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। सो प्रिमेटिव और सिंपल यूनिट सेल होता क्या है? इन प्रिमेटिव एंड सिंपल यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। बीसीसी में सब कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट होते हैं और बीच में भी, सेंटर में भी एक प्रेजेंट होता है, राइट। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? फेस सेंटर्ड में फेसेस पे भी प्रेजेंट होता है एंड कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो लेट्स सी और क्या है। ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यस, वन ऑफ द फेवरेट एमसीक्यूज ऑफ द पेपर सेटर इज द बाय मैथमेटिकल एनालिसिस इट हैज बीन प्रूव्ड दैट ओनली 14 डिफरेंट काइंड्स, हाउ मेनी? 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल। इन अदर वर्ड्स 14 वेज है अपने पास जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एंड दीज 14 lattices are called as Bravais lattices। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Bravais lattices, ठीक है। ये 14 Bravais lattices को further divide किया गया है 7 crystal system में, ठीक है। So question क्या आएगा? Question ये आएगा, how many Bravais lattice structures are there? So the answer should be 14, right? But the question अगर ऐसा आया कि how many crystal systems are there? How many crystal systems are there? So answer should be 7। क्यों? क्योंकि 14 Bravais lattices है, उसमें हम लोग ने क्या किया है? उनको डिवाइड किया है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में, ठीक है। द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द लैटिसेस पॉइंट स्पेसिंग, जैसे ए और बी और सी, ये एज लेंथ हो गए, अल्फा बीटा गामा, ये तुम लोग के क्या हो गए? एंगल्स हो गए, राइट। चलो तो हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग वन बाय वन जो है वो देखने वाले हैं कौन से होने वाले। देखो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से होने वाले हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल सिस्टम। लेट्स सी वन बाय वन हम लोग और क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम जैसे मैंने तुम लोग को बताया, तीन तुम लोग को क्यूबिक सिस्टम के ऊपर ध्यान देना है। पहला है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ये तीनों के बेसिस पे तुम लोग को है ना डेरिवेशन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? डेरिवेशन पूछा जाएगा। ओके, सो डेरिवेशन कैसा पूछा जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर पूछा जाएगा, राइट। सो लेट्स सी पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर तुम लोग डेफिनेशन जो है वो कैसे बना सकते हो। उसके पहले तुम लोग को याद रखना है कि प्रिमेटिव में, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तुम लोग के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं यूनिट सेल में? तो देयर विल बी 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। ये कैसे डिसाइड किया तुम लोग ने? टोटल तुम्हारे पास 8 कॉर्नर्स है और हर एक कॉर्नर पे 1/8 ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट है। सो ये 8 और ये 8 कैंसिल, देयर शुड बी 1। सो ये 1 जो आया ये तुम लोग का पार्टिकल आया, इसको तुम लोग पार्टिकल भी बोल सकते हो, इसको तुम लोग एटम भी बोल सकते हो। सो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज 1। आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, राइट।
चलो आगे देखते हैं, अभी हम लोग देखने वाले बीसीसी में, कहाँ देखने वाले बीसीसी में। अभी बीसीसी में मैंने क्या बताया था, बीसीसी में मैंने ये बताया था 8 कॉर्नर्स पे 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये सेम चीज आने वाली है। उसके साथ साथ सेंटर में भी, क्यूब के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होने वाला है। सो ये 8 और ये 8 कैंसिल, 1 बचा, 1 × 1 कितना होता है सर, 1 होता है, प्लस ये वाला 1 अलग से, तो कितना आंसर आया 2। इसका मतलब क्या है, बीसीसी में दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रहने वाले है सर, 2 रहने वाले। कितने रहने वाले, 2 रहने वाले। इतना क्लियर हो गया। ओके, ये सिंपल तुम लोग को एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ओके चलो आगे देखते हैं और क्या है। देखो बच्चों, जो जो मैं पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ ना, वो तुम लोग नोट कर लो, टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ डायरेक्ट, ठीक है। सो जो जो मैं पॉइंट्स तुम लोग को टिक मार्क करके दे रहा हूँ ना, वो टेक्स्ट बुक में तुम लोग टिक मार्क कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी नहीं किया तो फिर क्या करोगे तुम लोग, फिर पूरा साल बर्बाद कर दिया। आखिरी के 2 दिन तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। चलो अभी एफसीसी की जब मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एफसीसी की, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होने क्या वाला है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में तुम लोग के 8 कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है, क्या रहने वाला है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर टोटल क्या रहने वाला है तुम लोग का, लेट्स सी, 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्या रहने वाला है तुम लोग के, 8 पार्टिकल्स रहने वाले, ठीक है। इन शॉर्ट सॉरी, 8 कॉर्नर्स के ऊपर 1/8 पार्टिकल रहने वाला है। सो ये कैंसिल, कितना बचा, 1 बचा। उसके साथ साथ तुम्हारे पास टोटल 6 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस, और हर एक फेज पे आधा पार्टिकल प्रेजेंट होता है। सो आधा पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा और टोटल फेज कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। सो 2 1 2 3 जा, यहाँ पे बचा कितना सर, 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। सो 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4। दैट मीन्स इन एफसीसी हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ यूनिट सेल, देयर विल बी 4 एटम्स और 4 पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। ओके, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम लोग को शॉर्ट में आप पे लिख के देता हूँ। सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स होते हैं, 1 एटम होते हैं। बीसीसी में कितने होते हैं, बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं। और एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम लोग को न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। क्या होगा, ये तुम लोग को न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, ठीक है। चलो लेट्स सी, ये लिख लो फटाफट, तुम लोग देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट। ओके चलो आगे देखते हैं और क्या है। ओके वेट, ओके सो इसके बाद है हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। अभी इसमें तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को है ना, ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू एन एम अपॉन ए क्यूब इन टू एन ए, राइट। इसमें से तुम लोग का ये जो एन है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। अगर सिंपल क्यूबिक है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने लोगे सर, 1। अगर एफसीसी है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने लोगे, 2। नहीं, कितने लेने, 4 लेने, राइट। और अगर बीसीसी है तो बीसीसी में कितने लेने सर, 2 लेने, राइट। एम मतलब होता है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो तुम लोग का सॉलिड है उसका मोलर मास रहेगा। और ए मतलब होता है एज लेंथ, और ए का क्यूब कर रहे हो मतलब वो वॉल्यूम हो जाएगा। और एन ए का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, एंड एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 × 10⁻², ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स समझ के लेना। टर्म्स का मतलब तुम लोग का एन मतलब, वापस से फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये ना हम लोग ना एक काम करते हैं, सॉल्ड एग्जांपल है, हम लोग ना सॉल्ड एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट तुम लोग का जो न्यूमेरिकल का जो इश्यू है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चल और एक चीज इसमें याद रखना, मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, जो तुम लोग का कैलकुलेशन होता है ना कैलकुलेशन, ठीक है, इसमें जो तुम लोग का एज लेंथ होता है ना, एज लेंथ, ठीक है, इट शुड बी ऑलवेज इन सेंटीमीटर। किस में लेने का, उसको हमेशा सेंटीमीटर में लेने का, किस में लेने का, सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर ना बहुत गड़बड़ हो जाती है। किस में लेने का, उसको हमेशा सेंटीमीटर में लेने का, ठीक है। सॉलिड स्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो तुम लोग को एज लेंथ जो है वो किस में लेने का है, सेंटीमीटर में लेने का है, ठीक है। लेट्स सी, व्हेन अ गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी है, तो मुझे बताओ एफसीसी है मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया सर, एन का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गया, ठीक है। ओके, मोलर मास दिया है, मोलर मास मतलब कैपिटल एम दिया है, तुम लोग को डेंसिटी निकालना, डेंसिटी का मतलब होता है रो, ठीक है। अभी इसमें अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग का मोलर मास तो इसने लिख दिया, नंबर ऑफ एटम्स 4 लिख दिए, एन ए का मतलब 6.022 × 10⁻², दिया ए मतलब एज लेंथ, एज लेंथ मतलब होता है 408 पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब पिको का मतलब होता है 10⁻², 10⁻½ आ गया, लेकिन ये मीटर में है, मैंने क्या बोला था सेंटीमीटर में आना चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर टू सेंटीमीटर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻², तुम लोग को क्या करना पड़ेगा मीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए, यहाँ पे हाँ, मीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए तुम लोग को 10⁻²,
माइनस टू, 10^2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10^-12 है, सो 10^-12 का क्या हो जाएगा, 10^-10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है तुम लोग का 408 है। अब ये 408 के मैं फर्दर दो पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो ये जो माइनस है वो और कम हो जाएगा, मतलब 4.08 × 10^-8। तो समझा ये कहाँ से आया तुम लोग को, डायरेक्ट 10^-8 उन लोग ने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन हम लोग को पता चलना चाहिए ठीक है कैसे आ रहा है वो, राइट। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद डायरेक्टली क्या करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इतना ही सिंपल है तुम लोग के, ये पूरे चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे तुम लोग को क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग को और कोई भी फॉर्मूला नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये चीज इतना तुम लोग है ध्यान में रखना, समझ में आएगा, इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ओके सो लेट्स सी आगे क्या है, फर्दर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो। इसके बाद तुम लोग आते हो पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर, पैकिंग एफिशिएंसी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग का, पैकिंग एफिशिएंसी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग का, मैं डायरेक्ट बताता हूँ तुम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी में तुम लोग को ना, हाँ तुम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी में ना डायरेक्टली सिंपल क्यूबिक तीन डेरिवेशन है इसमें, तीन डेरिवेशन, ठीक है तुम लोग को बता रहा हूँ। एक है तुम लोग का इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करोगे तुम लोग, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी किसका, मेटल क्रिस्टल का, एस सिंपल क्यूबिक का, ओके। जिसमें तुम लोग इसमें ना तुम लोग को एक चीज बता दो, तुम लोग को इसमें याद क्या रखना पता है, आर का वैल्यू, किसका वैल्यू, आर का वैल्यू, ठीक है। क्या रखना है, आर का वैल्यू याद रखना है, क्या है आर का वैल्यू इसमें, ए बाई टू, क्या है ए बाई टू, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे हम लोग को फॉर्मूला में वही चीज यूज करना है जो हमें याद रखना है, ठीक है। सो आर का वैल्यू देख लिया तुम लोग ने, आर का वैल्यू क्या बोला था मैंने, आर का वैल्यू बोला था तुम लोग को याद रखने के लिए क्या था, ए बाई टू। तो सिंपल है, सब में सेम स्टेप्स फॉलो होने वाले, मैं तुम लोग को एक बताता हूँ तुम लोग आगे इजिली कर लोगे, ठीक है। ओके सो पहला स्टेप क्या बोला मैंने, पहला स्टेप बोला तुम लोग को आर का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू क्या है, ए बाई टू सिंपल क्यूबिक के लिए। सेकंड स्टेप में वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, क्या होता है 4/3 πr³। मेरे को होता है आर का वैल्यू कितना था सर, आर का वैल्यू तो ए बाई टू, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू जो है वो ये वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, तो तुम लोग को देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया उसने, आर का वैल्यू क्या किया, ए बाई टू सब्सटीट्यूट किया, तो तुम लोग को ये वाला वैल्यू मिला, ठीक है। तो ये स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री में तुम लोग को टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे तुम लोग, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जो होगा तुम लोग का वो ए क्यूब के इक्वल में रहेगा, किसके इक्वल में रहेगा, ए क्यूब के इक्वल में, किसके इक्वल में, ए क्यूब के इक्वल में, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल इतना है तुम लोग का, ये टोटल वॉल्यूम आया है। अभी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है यूनिट सेल ने, पाए ए क्यूब अपॉन 6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब मल्टीप्लाई करेगा 100, तो तुम लोग को ये वैल्यू आएगा। अब ये जो वैल्यू आया है ये पैकिंग एफिशिएंसी का है, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना ज्यादा पैकिंग है। लेकिन तुम लोग को क्वेश्चन क्या आएगा, तुम लोग को क्वेश्चन आएगा कि वॉइड कितना है, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस कितना है, तो एम्प्टी स्पेस कैसे निकालोगे तुम लोग, 100 माइनस ये करके 52.36, तो तुम लोग का आंसर आएगा समथिंग 47.64, समझा क्या बोला मैंने, ओके। तो ये तुम लोग का डेरिवेशन जो है ये तुम लोग के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है तुम लोग को, स्टेप वन, स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में तुम लोग निकालते हो वॉल्यूम, सॉरी आर का वैल्यू, स्टेप टू में क्या निकालते हो तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, थर्ड स्टेप में टोटल वॉल्यूम, फोर्थ स्टेप में पैकिंग एफिशिएंसी, बात खत्म, ठीक है। चलो सेम तुम लोग को करना है किसके लिए, एफसीसी के लिए। अभी एफसीसी के लिए जब तुम लोग देखते हो तो एफसीसी के लिए आर का वैल्यू क्या याद रखना है तुम लोग को, आर का वैल्यू यहाँ पे देखो, आर का वैल्यू क्या याद रखना है तुम लोग को, आर इज इक्वल टू √3/4a। सेम फिर नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप टू में क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, आर का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ये चीज आएगी। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, उसके बाद टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालोगे, टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, अभी टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो यूनिट सेल्स होते हैं, कितने यूनिट सेल्स होते हैं, दो। तो अगर दो यूनिट सेल्स है इसका मतलब तुम लोग को करना क्या है, यहाँ पे दो यूनिट सेल है तो इसका मतलब करना क्या है, यहाँ पे तुम लोग को 2 × 1, ठीक है, देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन शॉर्ट, क्योंकि ये बीसीसी का है, राइट। तो ये तुम लोग का क्या हो जाएगा, 16√3πa³/8a³, इसमें से a³ a³ कैंसिल, तुम लोग का आंसर आएगा 68। एंड ये जो 68 आया ये पैकिंग एफिशिएंसी आया, तुम लोग को अगर निकालना है, क्या निकालना है तुम लोग को निकालना है वॉइड, तो वॉइड क्या करोगे, 100 में से 68 को सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चलो तो ये इतना ज्यादा तुम लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफसीसी का। एफसीसी में तुम लोग को आर का वैल्यू पता होना चाहिए, a अपॉन कितना है तुम लोग का, r का वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा, r का वैल्यू कितना है, a अपॉन 2√2, राइट। और सिंपली
आर √2/4 ए, ठीक है। इसमें अगर तुम लोग वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के लिए तुम लोगों को सेम चीज करनी पड़ेगी, आर का सब्सटीट्यूशन 4π/3πr³ लगाना पड़ेगा। फिर टोटल वॉल्यूम जब निकालते हो तो मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, सिंपल है मेरे को था, जब हम लोग सिंपल क्यूबिक का डेरिवेशन कर रहे थे, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 1, तो हम लोग ने सेम चीज ले ली। अब बीसीसी में जब आया तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2, तो हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वॉल्यूम को, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एफसीसी में जब आएंगे तो एफसीसी में टोटल एटम्स कितने होते हैं 4, तो हम लोग इधर इधर पे क्या कर रहे हैं, इधर पे देख लो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज फॉलो करनी है, सेम चीज, कुछ नहीं है उसमें डिफरेंस, ओके ओके। चलो उसके बाद तुम लोग को और ना इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, ओके हाँ, डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स तुम लोग एक बार जो है वो पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट ओके। सो डिफेक्ट्स में अगर ओवरव्यू में तुम लोग को दे दूं तो डिफेक्ट्स में देखो स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है। सबसे पहले दो टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं वो समझना जरूरी है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में तुम लोग के फर्दर टाइप्स है, स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट है, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम लोग का है सेल्फ इंटरस्टिशियल, राइट ओके। वैकेंसी डिफेक्ट देखो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में फर्दर टाइप्स, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कौन सा वैकेंसी है, वैकेंसी में और क्या क्या है तुम लोग का वैकेंसी में, ओके सो वैकेंसी में क्या क्या है, देखो वैकेंसी के बाद क्या क्या है तुम लोग का, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, उसके बाद शॉर्ट की डिफेक्ट है। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है। मेरे को ना मतलब ऐसा अंदर से बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट आ रही है कि शॉर्ट की डिफेक्ट के ऊपर ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग को इस बार पूछे जा सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट अच्छे से करके जाओ, राइट। चलो आगे 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 देखते हैं और क्या है, ठीक है ओके। उसके बाद कंडीशंस अच्छे से करके जाओ, शॉर्ट की डिफेक्ट की कंडीशंस, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट की कंडीशंस अच्छे से करके जाओगे ना तो तुम लोग को बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा, ओके हाँ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम लोग जब डिफेक्ट्स पढ़ोगे ना तो डिफेक्ट्स में एक चीज पढ़ना कि किसमें डेंसिटी, कौन से डिफेक्ट में डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रह रही है, कौन से डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, कौन से डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ओके तो ये याद रखना तुम लोग, ठीक है। चलो फ्रेंकल डिफेक्ट भी अच्छे से पढ़ना, फ्रेंकल डिफेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एग्जाम्पल्स है ना तुम लोग के फ्रेंकल डिफेक्ट के और ये तुम लोग के क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल देखे हम लोग ने और कौन से एग्जाम्पल देखे, ये शॉर्ट की डिफेक्ट के, तो शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल जो है ना वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें देखो ये AGBR जो है, AGBR ये फ्रिंकल डिफेक्ट में भी आता है और ये तुम लोग का शॉर्ट की डिफेक्ट में भी आता है, तो ये सिंपल एग्जांपल है, ये याद रखोगे ना तुम लोग का इजी हो जाएगा, ओके चलो ओके। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, उसके बाद देखो ये चैप्टर में डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली जंप करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन वाला चैप्टर, ओके। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग को इसमें एक चीज और बता देता हूँ, डायमैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है एंड फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, इसके डेफिनेशन एक बार कर लेना, एक एक मार्क के लिए डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल जो है वो पूछे जा सकते हैं, ओके चलो ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, ओके। सो सॉल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा तुम लोग का डेफिनेशन, सॉल्यूट को डिफाइन करो, सॉल्वेंट को डिफाइन करो, सॉल्यूशन को डिफाइन करो, ठीक है। तो सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में लेते हैं, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कितने टाइप्स के तुम लोग के सॉल्यूशंस है वो याद रखो, टोटल तुम लोग के 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस है, उनके एग्जांपल्स याद रखो, ठीक है। उसके साथ हम लोग नेक्स्ट आगे और क्या देख सकते हैं इसमें, ओके इसमें हम लोग ना मैं तुम लोग को और एक चीज इसमें बता दो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सॉल्युबिलिटी, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा सॉल्युबिलिटी और उसके फैक्टर्स, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा सॉल्युबिलिटी और उसके फैक्टर्स, मैं तुम लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ सॉल्युबिलिटी और उसके फैक्टर्स। पहला जो है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें तुम लोग को याद रखना है एक ही लाइन, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, क्या याद रखना है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर विल बी डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल बी डिजॉल्व इन नॉन पोलर, ये याद रखोगे ये पूरा तुम लोग का फैक्टर एक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर है तुम लोग का टेम्परेचर, टेम्परेचर पे तुम लोग को याद रखना है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक का केस, ठीक है। अभी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के केस में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी शॉर्ट में, तो एक्सोथर्मिक की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, एक्सोथर्मिक की जब मैं बात करता हूँ तो एक्सोथर्मिक में मेरे को बताओ टेम्परेचर की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर टेम्परेचर की जरूरत नहीं है तो मुझे बताओ अगर मैंने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया
तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जब मैं एंडोथर्मिक की बात करता हूँ, एंडोथर्मिक की, तो उसमें क्या याद रखना है तुम लोगों को, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखो तुम लोग, ये दो फैक्टर्स हो गए। थर्ड फैक्टर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रेशर, 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 तो प्रेशर, ओके, वेट, हाँ, सो अभी हम लोग देखने वाले प्रेशर। अभी जब मैं प्रेशर की बात करता हूँ, इसमें ना और एक मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन से टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे ना ये जो पैराग्राफ दिया ना तुम लोग को, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, क्यों ये मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि इसने ना ये चीजें जरा अच्छे से बताई गई है। ठीक है, क्या बताई है उसने, देखो, अगर मैं सोल्यूबिलिटी चेक कर रहा हूँ किसी भी गैस की, ठीक है, किसी भी गैस की मैं सोल्यूबिलिटी देख रहा हूँ, किसके अंदर, वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो इसमें होने क्या वाला है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। ठीक है, सो सोल्यूबिलिटी जो होती है किसी भी गैस की, तो होता क्या है इसमें, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है इसमें, कंडेंसेशन प्रोसेस। सो कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसमें टेम्परेचर मुझे क्या करना चाहिए, अगर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मुझे टेम्परेचर कम करना चाहिए, सो दैट सॉल्युबिलिटी क्या हो सके, बढ़े सके। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये जो पैराग्राफ है ये याद रखो, ये तुम लोग गिव रीजन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज नथिंग बट वॉट, जो तुम लोग का है हेनरीज लॉ। ठीक है, अभी हेनरीज लॉ क्या बताता है, हेनरीज लॉ बताता है अपने को इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। अभी सोल्युबिलिटी के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है वो हम लोग को देखना है। कैसे देखेंगे, सिंपल है, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, किसी भी गैस का सोल्युबिलिटी किसी भी अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, वो गैस का वो लिक्विड के ऊपर। ठीक है, वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, किसी भी गैस का सोल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड के अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी गैस के प्रेशर से, जो कि अप्लाई होने वाला है लिक्विड के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सोल्युबिलिटी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट पुट करेंगे, दैट इज KH, दिस कांस्टेंट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। अगर मेरे को हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो मेरे को प्रेशर को डिवाइड में भेज दो, सो S अपॉन P हो जाएगा। अभी S मतलब किस में मेजर करते हैं, S मतलब हम लोग मेजर करते हैं मोल्स पर लीटर में, डिवाइड बाय प्रेशर, प्रेशर को हम लोग को मेजर करना है बार में। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, KH का मोल, लीटर इनवर्स एंड बार इनवर्स। ठीक है, तो ये तुम लोग का यूनिट हो गया किसका, KH का। सो अगर हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा हेनरीज लॉ के ऊपर। तो जब तुम लोग को हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा तुम लोग सिर्फ लॉ लिख के आओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, तुम लोग को हेनरीज लॉ लिखना है, उसके साथ साथ तुम लोग को ये मैथमेटिकल इक्वेशन बताना है, उसके साथ साथ तुम लोग को KH के यूनिट्स निकाल के बताने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चल, तो ये हो गया तुम लोग का हेनरीज लॉ। आगे हम लोग देखते हैं और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ के एक्सेप्शंस भी याद रखो, 2 एक्सेप्शंस है, एक NH3 है और एक CO2 है। ये इक्वेशंस अगर तुम लोग लिख के आ जाओगे, क्वेश्चन तुम लोग को 3 मार्क का अगर फ्रेम हुआ हेनरीज लॉ के ऊपर, तो तुम लोग को हो जाएगा स्टेट हेनरीज लॉ, तो तुम लोग उसमें डिराइव हेनरीज लॉ बताओगे, मैथमेटिकल इक्वेशन, KH का यूनिट, उसके साथ साथ तुम लोग को एक और क्वेश्चन उसमें एडअप होके आएगा, राइट इट्स लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस, तो उसमें तुम लोग ये 2 एग्जांपल्स 1 मार्क के लिए लिख के आ सकते हो। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं और क्या है इसमें, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राहुल नहीं, राउल्ट, कौन सा लॉ, राउल्ट लॉ। ठीक है, तो ये जो राउल्ट लॉ है ये मैं तुम लोग को मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा, उसके बेसिस पे हम लोग लॉ बनाएंगे। ठीक है, सो 2 टाइप्स के प्रेशर होते हैं, मैं तुम लोग को बता देता हूँ वापस से। एक होता है P0, एक होता है P01। P01 जो होता है वो प्योर प्रेशर होता है, क्या होता है वो, प्योर प्रेशर होता है। ठीक है, और एक होता है P1, P1 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, क्या होता है P1 का मतलब, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सो P01 मतलब तुम लोग का प्योर प्रेशर हो गया, P1 मतलब पार्शियल प्रेशर हो गया। एक्चुअल में होता क्या है, तुम लोग के पास अगर 2 कॉम्पोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये पहला कॉम्पोनेंट है, ये तुम लोग का दूसरा कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो इसका अलग से जो प्योर वाला प्रेशर रहेगा वो P01 रहेगा, इसका अलग से जो प्रेशर रहेगा वो P02 रहेगा। लेकिन अगर समझो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, अभी मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ए का प्रेशर रहेगा, 1 का प्रेशर रहेगा वो रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो 2 का प्रेशर रहेगा वो रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। अभी राउल्ट लॉ क्या करता है, राउल्ट लॉ ये दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, दैट इज P01
प्योर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट कैसे बताता है वो हम लोग लिख लेते हैं. सो राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक है, हो गया तुम लोग का राउल्ट्स लॉ यहाँ पे डिफाइन. वापस से देख लेते एक बार, सेम चीज बोली हुई है मैंने. देखो P1 मतलब पार्शियल प्रेशर है ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन. राइट, चलो इतना सिंपल है. ओके, अगर मेरे को P2 के लिए लिखना है तो P2 इज इक्वल टू P02 इनटू क्या रहेगा, X2 रहेगा. अभी यहाँ पे तुम लोग को इसका राउल्ट लॉ जब आया तो तुम लोग को थोड़ा सा डेरिवेशन भी करना पड़ेगा. क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे को अगर सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा. सो टोटल प्रेशर कैसे निकालूंगा मैं? Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2. ठीक है, P1 मतलब क्या है? P1 का मतलब है P01 X1. P2 का मतलब क्या है? P02 X2. ठीक है, अभी इसमें जब तुम लोग P01 X1 P02 X2 कर रहे हो तो इसमें तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि X1 प्लस X2 का वैल्यू 1 के इक्वल में होता है. अगर मेरे को इसमें X1 का वैल्यू चाहिए तो X2 को उधर भेजो तो 1 माइनस X2 हो जाएगा. तो यहाँ पे P01 को वैसे ही रखो, X1 की जगह पे 1 माइनस X2 पुट करो, यहाँ पे P02 X2 वैसे ही लिखो. ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा एंड दैट इक्वेशन इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ. ठीक है, देखो यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग को यहाँ पे एक इक्वेशन मिला है फाइनल वाला एंड दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. और क्या है ये फटाफट नोट कर लो तुम लोग, राउल्ट्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए. ठीक है, चलो ठीक है आगे देखते हैं. और ओके 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 चलो इसके बाद ना तुम लोग को क्वेश्चन ना इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल पे पूछा जाएगा. आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल पूछा जाएगा. तो ये अच्छे से करके जाना तुम लोग, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल. ओके, हाँ, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ. मैं तुम लोग को इसमें सिंपल बता देता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान रखो आ सकता है इसके ऊपर. पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, तुम लोग के सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन वीक होता है. क्या होता है? वीक. ठीक है, जिसकी वजह से प्योर का जो प्रेशर होता है, प्योर का जो प्रेशर होता है, प्योर का तुम लोग उससे सबसे अच्छा तुम लोग ऐसा लिखो कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्योर प्रेशर. ठीक है, सो यहाँ पे अगर तुम लोग देख रहे हो ना तो ये जो सॉलिड वाला लाइन है ना, ये सॉलिड वाला लाइन रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ये जो डॉटेड वाला लाइन है ना, इट रिप्रेजेंट्स प्योर वाले का वेपर प्रेशर. ठीक है, तो ये हो गया तुम लोग का किसका, पॉजिटिव डेविएशन का. पॉजिटिव डेविएशन का जब तुम लोग लिखते हो तो उसमें तुम लोग को उसके एग्जाम्पल्स याद रखना है. कौन से? इथेनॉल, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. ओके चल आगे देखते हैं. पॉजिटिव डेविएशन लिख दिया, नेगेटिव डेविएशन का भी बता देता हूँ. नेगेटिव डेविएशन में एग्जैक्टली उल्टा होता है. नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है या फिर स्ट्रांग बोल सकते हो. सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द प्योर प्रेशर. ठीक है, उसके भी एग्जांपल्स तुम लोग को याद रखने हैं. देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन. ओके चलो आगे देखते हैं फटाफट एक. ठीक है, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ. ठीक है बेटा, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का डायरेक्टली पूछा जा सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का स्टार्टिंग कैसे होगा, तुम लोगों को डिफाइन करने बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. उसके साथ साथ तुम लोगों को बोलेंगे कि बाकी के जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके नाम लिखो, एनलिस्ट करो. एनलिस्ट भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन करने भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या आएगा? डेफिनेशन मतलब सिंपल है, ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, एंड नॉट ऑन देयर नेचर. नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, कितने टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा अपने पास? 4 टाइप्स की. कौन सी है? वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, चल आगे देखते हैं.
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट उन लोग ने पॉइंट दिया हुआ है, व्हाइल डीलिंग विद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट द रिलेटिव डाइल्यूट सॉल्यूशन विद कॉन्सेंट्रेशन 0.2 और उससे कम का कंसिडर करना है। ठीक है, चलो हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग एक बार देख लेते हैं। वेपर प्रेशर लोअरिंग में मैं ना तुम लोग को ना डायरेक्ट डेरिवेशन बताता हूँ क्या डेरिवेशन आएंगे इसके। ठीक है, वेपर प्रेशर लोअरिंग में तुम लोग को डेरिवेशन है ना ये वाला, ठीक है, कहा गया हाँ मोलर मास वाला। ठीक है, तुम लोग को ये वाला डेफिनेशन आएगा, ठीक है, डेरिवेशन आएगा, सर डेरिवेशन ये वाला तुम लोग का आएगा। ठीक है, क्या ये डेरिवेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो है ये फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग का, ये रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला है, उसमें एक्स टू जो है एक्स टू का वैल्यू किसके इक्वल में एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। अभी हम लोग डायल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं, मतलब एन वन का वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन एन टू, राइट। सो एन वन प्लस एन टू के जगह पे मैं अप्रोक्सीमेटली क्या कंसिडर कर सकता हूँ, एन वन कंसिडर करूँ, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक्स टू का वैल्यू किसके इक्वल में जाएगा एन टू अपॉन एन वन, राइट। तो ये तुम लोग को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिख रहा है एन टू अपॉन एन वन आया वही चीज। अभी एन टू मतलब क्या होता है, मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वही सब्सटीट्यूट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। तो ये तुम लोग को वेपर प्रेशर लोअरिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग आएंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में सबसे पहले तुम लोग को पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। सो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे तुम लोग के लिक्विड का वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमोस्फेयरिक प्रेशर। ठीक है, सो ये होता है तुम लोग का बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें तुम लोग को डेफिनेशन बता दिया ऑलरेडी, राइट। अगर मैं इसके कंसेप्ट की बात करूं तो तुम लोग को याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम लोग के वेपर प्रेशर से। ठीक है, सो सिंपल है। अभी वेपर प्रेशर जब हम लोग ने देखा ना, तो वेपर प्रेशर ना प्योर वाले का जो था वो ज्यादा था, ठीक है, और सॉल्यूशन का जो था वो कम था। अभी मेरे को पता बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली मतलब उल्टा है ना, तो प्योर वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, कम, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, ज्यादा। ठीक है, प्योर वाले का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग टी नॉट भी कंसिडर करते हैं, सॉल्यूशन का हम लोग टी भी कंसिडर करते हैं। अभी जिसका ज्यादा है उससे हम लोग छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। सो डेल्टा टी नॉट भी माइनस टी भी, ठीक है, ये डेल्टा टी नॉट भी माइनस टी भी, दिस डेल्टा टी नॉट भी इज नथिंग बट वॉट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, तो इतना याद रखो। ओके, इसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स सी आगे क्या क्या है। और बॉइलिंग पॉइंट में भी एक तुम लोग का डेरिवेशन बनता है, वो डेरिवेशन में तुम लोग को बताता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आया ना तो तुम लोग ग्राफ भी एक बार ये देख के जाना, ठीक है, ये ग्राफ भी जरूरी है। हाँ, ये वाला डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें तुम लोग को डेरिवेशन में पूछा जाता है डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट पुट किया के बी, ये के बी के टोटल तीन नाम है। ठीक है, तो तुम लोग को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ नेम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ, सॉरी क्वेश्चन में बताता हूँ, फ्रेम करके बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा तुम लोग को, बिलो आर द नेम ऑफ के बी, ठीक है, एक्सेप्ट, तो तुम लोग के टोटल तीन नाम से चौथा जो रहेगा वो तुम लोग का नाम नहीं रहेगा, तो वही तुम लोग का एक्सेप्ट रहेगा, मतलब उसको तुम लोग को टिक मार्क करके आना है। सो तीन नाम कौन से वो मैं बताता हूँ तुम लोग को, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट के नाम है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट एज वेल एज इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के यूनिट भी तुम लोग को पता होनी चाहिए। कैसे निकालोगे यूनिट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम, सो के बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय एम। डेल्टा टी बी मतलब कैलविन में मोलैलिटी का फॉर्मूला, यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर केजी। अगर इसको तुम लोग अच्छे से लिखोगे तो कैलविन के जी इन सॉरी कैलविन के जी मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोग का यूनिट। याद रखो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी इब्यूलोस्कोपिक पढ़े, तो इब्यूलोस्कोपिक किसको बोलते हैं, इब्यूलोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट वाले को बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद ये तुम लोग को डेरिवेशन शॉर्ट में पूछा जाएगा, मोलर मास तीन, देखो चार प्रॉपर्टीज जो है तुम लोग की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें चार डेरिवेशन फिक्स तुम लोग के पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है मोलर मास वाले जो जो है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वाले। ठीक है, तो ये तुम लोग का एक डेरिवेशन तुम लोग को पूछा जा सकता है,
ओके आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ फ्रीजिंग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में शॉर्ट में अगर मैं तुम लोग को बता दूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है तुम लोग का ये क्या आ गया रे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है तुम लोग का कि ऐसा एक टेम्परेचर, ऐसा एक टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ, उसके साथ साथ तुम लोग के जो लिक्विड और सॉलिड रहेंगे दे शुड बी इन इक्विलिब्रियम फेस और इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का, ये हो गया तुम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अभी फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशन में और जो हम लोग ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, याद है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डेरिवेशन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस उसमें डेल्टा टी एफ का जो वैल्यू है ना वो चेंज होता है। लाइक इसमें डेल्टा टी नॉट, नॉट वाला पहले आता है, उसमें बी वाला पहले आता है, नॉट वाला बाद में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तुम्हारा, राइट। चलो तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का पार्ट है। आगे हाँ ये ग्राफ एक बार देख के जाना, डेरिवेशन जो मैंने तुम लोग को बताया इसमें इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो है वो है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। जैसे याद है हम लोग ने के बी यूज किया था बॉइलिंग पॉइंट में, वैसे हम लोग को के एफ यूज करना है। के एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ओके। ओके हाँ अभी ऑस्मोसिस इस वाले पार्ट में तुम लोग के बहुत ज्यादा डेफिनेशंस बनते हैं। पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो पता होना चाहिए, उसके पहले ऑस्मोसिस क्या होता है वो पता होना चाहिए, उसके पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक ऐसा मेम्ब्रेन जो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको पास करने देगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने देगा अपने थ्रू, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, जब सॉल्यूशन है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है और दो सॉल्यूशंस है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के, तो उसमें होने क्या वाला है, उसमें होने वाला है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होने वाले हैं, पास होने वाले हैं मेम्ब्रेन से, सिर्फ और सिर्फ। कैसे पास होंगे वो मैं तुम लोग को इस इधर पे ऊपर शॉर्ट में तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, राइट। तो तुम लोग का ऑस्मोसिस का मतलब होता है सॉल्वेंट का मूवमेंट, राइट। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा तुम लोग का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होने वाला है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है दिस नथिंग बट व्हाट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, ठीक है। अभी होने क्या वाला है, कब तक पास होगा ये, एक टाइम तक पास होगा। कब तक, कौन सा टाइम, जब ये दोनों सॉल्यूशंस इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, इनके कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। जब इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो दैट और लिक्विड मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर नहीं आने चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इक्वल हो गया ना अभी कॉन्सेंट्रेशन, तो और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आने चाहिए। अगर और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर आने चाहिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है सो दैट यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, इन शॉर्ट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है उसको अपोज कर दिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन तुम लोग को दिया हुआ है, कहाँ भी देखा, कहाँ दिया, कहाँ यहाँ पे दिया, ठीक है। चलो तुम लोग को दिया हुआ है, देखो क्या दिया है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर That stops the osmosis is known as osmotic pressure, ठीक है। Let's see आगे क्या है, और आगे तुम लोग को दिखेगा isotonic types of solutions, that is isotonic solution. Isotonic solutions का मतलब होता है, देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, osmotic pressure जो होता है उसको हम लोग pi से represent करते हैं, and pi is equal to उसका formula कैसे बनता है वो भी मैं तुम लोग को short में explain कर देता हूँ। PV is equal to nRT होता है, ठीक है। इसमें से अगर मैं P को पाई से रिप्रेजेंट करूं, P मतलब प्रेशर होता है, पाई मतलब भी प्रेशर होता है, अगर ये V को मैं डिवाइड में भेज दूं तो N अपॉन V इंटू आर टी हो जाएगा। N अपॉन V का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन कौन सा टर्म जो N अपॉन V के इक्वल होता है, तो मोलारिटी। सो यहाँ पे तुम लोग का पाई का फॉर्मूला हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का एम आर टी। इसमें तुम लोग अगर देखोगे, अगर तुम लोग का गैस कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्सेंट रहने वाला टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट रहोगे तो पाई एंड molarity should be directly proportional to each other, ठीक है। So in short, अगर मैं osmotic pressure की बात कर रहा हूँ तो मैं concentration की भी बात कर रहा हूँ side by side,
ठीक है। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या रहेगा, दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, 0.1 मोलर 0.1 मोलर। समझा यहां तक, क्लियर है इतना? ठीक है, तो आइसो का मतलब सेम एंड टोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद आता है तुम लोग का हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, सो जिसका पाई ज्यादा है उसका मोलैरिटी ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। जिसका पाई का वैल्यू कम है, जिसका मोलैरिटी का वैल्यू कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। ठीक है, इतना याद रखोगे हो जाएगा तुम लोग का इजी। ओके चलो आगे देखते हैं, और क्या है, वही जो डिराइव मैंने तुम लोग को करके बताया वही चीज, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस साल। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, जब तुम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री वाले फ्रेश वाले वाटर में मूव करना चालू कर देते हैं। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर का मतलब क्या होता है, सॉल्ट वाटर का मतलब होता है नमक वाला पानी। अभी यहाँ पे नमक वाला पानी है, यहाँ पे तो सादा पानी है, तो मेरे को बताओ ऑस्मोसिस मतलब सादे पानी से नमक वाले पानी में मूव होना, लेकिन रिवर्स का मतलब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। सॉल्ट वाटर में से जो वाटर है वो कहाँ पे जा रहा है, फ्रेश वाटर में जा रहा है, तो ये ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके चलो, ओके इसके बाद लेट सी आगे फर्दर। ठीक है, देखते हैं। ओके, ऑर्गेनिक भी सिखाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं पूरा फिजिकल कवर करने वाला हूँ। ठीक है, पूरा फिजिकल कवर करने के बाद, ठीक है, हम लोग कल जो है, कल भले मैं दोपहर में ही शेड्यूल करवा दूंगा, ठीक है, लाइव। सो हम लोग कल पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इतना अच्छे से रट लेंगे, इतना अच्छे से कर लेंगे ना, मतलब परसों का पेपर ऐसा जाएगा, अरे बाप रे बाप। ठीक है, तो परसों का जो पेपर है तुम लोग का केमिस्ट्री का, उसमें जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो तुम हम लोग जो है वो कल पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग को आज मेनली जो हम लोग का फोकस है वो इस पे फिजिकल पे रहने वाला है, फिजिकल एज वेल एज जो तुम लोग का इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है उस पे रहने वाला है। कल हम लोग ऑर्गेनिक एज वेल एज तुम लोग का अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते आगे फर्दर हम लोग। चल, तो इसमें तुम लोग को मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस बताया क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस याद रखो, इसका डायग्राम तुम लोग को बनाने आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, इसके बाद तुम लोग को वेंट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन याद रखना है। सिंपल डेफिनेशन है, रेशियो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये डेफिनेशन है सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को ये जो डेरिवेशन है लास्ट वाला, ये डेरिवेशन तुम लोग को याद रखना है। इसमें तुम लोग को क्या करना है वो मैं तुम लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ। इनिशियल मोल लेना है 1, तो इसके 0 रहेंगे। इक्विलिब्रियम पे इसके अल्फा बन रहे हैं, तो ऑलरेडी इसके एक्स थे तो एक्स अल्फा, इसके वाई थे तो वाई अल्फा। अभी ये जो अल्फा बने हैं वो 1 में से बने, तो 1 माइनस अल्फा। टोटल मोल्स निकालोगे, ऐड करोगे, तो तुम लोग को ये वाला एक इक्वेशन मिलेगा। आई का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। एक्चुअल मतलब तुम लोग ने कितने मोल्स एक्चुअल में तुम लोग के पास आए हैं। ठीक है, कितने मोल्स तुम लोग के पास आए हैं डिवाइडेड बाय कितने लिए थे तुम लोग ने। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 ये जो आए हैं डिवाइडेड बाय 1, इनिशियली हम लोग ने 1 लिया था, तो ये तुम लोग का रिलेशन हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सो इसमें हम लोग अभी आगे जो है वो देखते हैं क्या है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर जाने वाले हैं, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम में तुम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पूरी के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाद होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होता है तुम लोग का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है तुम लोग का कि जो
तुम लोग के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पूरी की पूरी तरह डिसोसिएट, देखो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होने वाले तुम लोग को भी पता है मुझे भी पता है राइट, लेकिन स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पूरी की पूरी तरह डिसोसिएट होना, कंप्लीटली डिसोसिएट होना, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है पार्शियल और स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट होना, ठीक है। तो ये तुम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। उसके साथ साथ तुम लोग को नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी पता होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है, ओके। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तुम लोग को अल्फा का फॉर्मूला याद रखना है, इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द फ्रैक्शन और द डिवीजन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, रेशियो, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने डिसोसिएट हुए हैं, डिवाइडेड बाय कितने मोल्स थे, डिसोसिएट डिवाइडेड बाय कितने मोल्स। देखो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज अगर नॉर्मल निकलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय कितने में से आए हैं, समझ रहे हैं। सो कितने मार्क्स आए मतलब तुम लोग जो ऑब्टेंड है वो निकाल रहे हो ना, सो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने डिसोसिएटेड हुए हैं, डिवाइडेड बाय कितने तुम लोग ने मोल्स लिए थे, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, सो दैट तुम लोग को किसका वैल्यू आएगा, परसेंट डिसोसिएशन का वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो एसिड्स एंड बेस के ऊपर जब हम लोग आएंगे तो बहुत सारे थियोरीज है, उसमें फर्स्ट थियोरी इज अरिनियस थियोरी। इसमें तुम लोग को है ना, अरिनियस थियोरी में तुम लोग को क्वेश्चन जो है वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है वो पूछा जाएगा। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में मैं तुम लोग को सिंपल सा बता देता हूँ, HCl ये एसिड है, H2O ये बेस है। अरिनियस कंसेप्ट क्या बताता है, H प्लस जो एक्सेप्ट, H प्लस जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, H प्लस जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे HCl जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, जब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो ये H2O उसको लेगा, तो H2O ने जब हाइड्रोजन लिया तो किस में कन्वर्ट हुआ, H3O प्लस में, और HCl ने जब हाइड्रोजन डोनेट किया तो HCl Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो इसने H प्लस डोनेट किया तो एसिड हो गया, इसने बेस, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये बेस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो आप ये H3O प्लस बना है, ये डबल हेडेड एरो का मतलब क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम है, मतलब ये वापस से जाने वाला है, तो ये H3O प्लस वापस किस में कन्वर्ट होगा, H2O में। अभी इसके पास तीन हाइड्रोजन है तो ये दो हाइड्रोजन में फर्दर मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन को लॉस करने वाला है, H प्लस को लॉस करने वाला है, तो मतलब इस टाइम पे ये जो H3O प्लस है वो किसकी तरह काम करेगा, H प्लस को डोनेट कर रहा है, मतलब किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। ये बेस जो है Cl माइनस, ये क्या करेगा, Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तभी तो जाके HCl बना रहा है। तो ये इस केस में क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। सो आगे हम लोग देखते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, आई होप तुम लोग को समझा है। लुईस थियोरी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर समझो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर, इसके ऊपर तुम लोग को क्वेश्चन आ सकता है, एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर, और ना इसमें मैं तुम लोग को और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है, मतलब करके जाना है, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। दोनों है, एक वीक एसिड के लिए भी है, एक वीक बेस के लिए भी है, तुम लोग को कंपलसरी, मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास रखो, कंपलसरी ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ तुम लोग को करके जाना है अच्छे से, ठीक है। सो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर तुम लोग को ये डिराइव करने के लिए आएगा कि अल्फा का वैल्यू, के का वैल्यू, के बी का वैल्यू, ठीक है। तो ये तुम लोग का एसिड के लिए है, और ये वाला जो पार्ट है ब्लू वाला बॉक्स, इट इज फॉर बेस, ठीक है, ठीक है। तो ये करके जाओ अच्छे से। ऑटो आयोनाइजेशन के ऊपर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें ना तुम लोग को मैं बताता हूँ, ऑटो आयोनाइजेशन के बाद पीएच स्केल, पीएच स्केल के ऊपर भी तुम लोग को क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पीएच स्केल के ऊपर क्या पूछेंगे, पीएच स्केल के ऊपर तुम लोग को बोलेंगे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पीएच स्केल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, पीएच स्केल के ऊपर शॉर्ट नोट निकालो, या फिर तुम लोग को बोलेंगे पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन निकालो, है नीचे वो है, दिख रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पीएच एंड पीओएच। तो ये जो डेरिवेशन है ये तुम लोग को करना है अच्छे से, ये तुम लोग को रिलेशन यहाँ तक निकालना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को आगे आ सकता है, और क्या आ सकता है इसमें, इसमें ना बफर सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। बफर सॉल्यूशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बफर सॉल्यूशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बफर सॉल्यूशन तुम लोग पूछ सकते हैं, तो अच्छे से करके जाना बफर सॉल्यूशन, ओके। बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, हाँ ये वाला। देख तुम लोग को है ना एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है,
तो एमसीक्यू में तुम लोग को ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन पूछा जा सकता है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को हम लोग? हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। ठीक है, ओके। सो इसमें ना तुम लोग को क्या पूछ सकते हैं, इसमें तुम लोग को पूछ सकते हैं कि हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, एसिड के लिए कौन सा है, बेस के लिए कौन सा है। तो इसमें तुम लोग को मैं बताता हूँ कैसे याद रखना। अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो ऊपर सॉल्ट आएगा, नीचे बेस आएगा, और यहाँ पे पीके भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पीओएच आएगा, इतना याद रखो। अगर तुम लोग का बेसिक सॉरी एसिडिक के लिए है, तो एसिडिक के लिए तुम लोग को क्या याद रखना है, यहाँ पे पीके आएगा ऊपर सॉल्ट और नीचे एसिड आएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते फटाफट फटाफट आगे बढ़ते अपन। तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अच्छे से करके जाओ तुम लोग। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, दो टाइप्स का अपने पास प्रोडक्ट होता है, एक होता है आयोनिक प्रोडक्ट और एक होता है सॉल्युबिलिटी। जब आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल है, तो उस कंडीशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में होती है। अगर मैं बोलूं कि आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब होता है तो प्रेसिपिटेशन होना चालू हो जाता है। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है, मतलब सॉल्युबिलिटी हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी हो रही है मतलब अनसैचुरेशन हो रहा है, और अनसैचुरेशन हो रहा है मतलब तुम लोग का प्रेसिपिटेशन अकर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन अच्छे से करके जाना। ओके, आगे देखते हैं और क्या है। हाँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर में इज आयोनिक कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है ये? कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, सो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या होता है? इट स्टेट्स दैट आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग आयन कॉमन टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब तुम लोग जो है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली कम डिसोसिएट होने वाला है, अभी उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसका जो आयोनाइजेशन है, उसको तुम लोग और सप्रेस कर रहे हो। कैसे सप्रेस करोगे? तुम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसके पास जो आयन है वो कॉमन रहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तो ये इतना याद रखो। एग्जाम्पल उसके CH3COOH है, ये तुम लोग का वीक एसिड है, तुम लोग उसमें क्या ऐड करोगे? स्ट्रॉन्ग वाला CH3COON है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो आयन है इसका जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें तुम लोग को डेफिनेशन में सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके साथ साथ स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये तुम लोग को पूछे जा सकता है। ओके, सो ये डेफिनेशंस ये लिख लो तुम लोग कहीं पे, ये डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ के जाना। ओके चलो, ओके आगे हम लोग देखते हैं। पाथ फंक्शन मैंने तुम लोग को बताया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बताया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हाँ, पूछा क्या जाता है वो बताता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस है, तुम लोग को पूछेंगे कि डेल्टा टी का वैल्यू क्या रहेगा, डेल्टा यू का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तुम लोग को पूछेंगे किसका वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक है, तुम लोग के पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, पूछेंगे किसका वैल्यू जीरो रहेगा। ओके, तो बेसिक बेसिक चीजें पूछेंगे, बस उस टाइम पे हम लोग को याद नहीं आती, यही कंसेप्ट है। ठीक है, रिवर्सिबल क्या होता है वो पूछेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो बताता हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट तुम लोग का है साइन कन्वेंशंस। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट तुम लोग का? साइन कन्वेंशंस। ओके, सो साइन कन्वेंशंस में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन आया तो ये बना के चले जाओ, बहुत ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझो अगर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम से, सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सिस्टम हीट को लॉस कर रहा है
तो क्या होना चाहिए, रिलीज कर रहा है, तो कौन क्या होना चाहिए, क्यू का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। सिस्टम जो है, सिस्टम समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, सिस्टम जो है अगर वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो नेगेटिव रहेगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज याद रखो तुम लोग, देखो यहाँ पे लिखा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो तुम लोग क्या लोगे इसका वैल्यू पॉजिटिव, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो वैल्यू करोगे नेगेटिव। उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसके साथ साथ ना फ्री एक्सपांशन, ये इसका ड्यू रीजन तुम लोग को आता है, फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन का वैल्यू मतलब, फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपांशन में तुम लोग एक्सटर्नल प्रेशर जो है वहां पे तुम लोग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो इसका वैल्यू जीरो हो गया, तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो गया, ये कहाँ पे होता है, वैक्यूम में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, एक डेरिवेशन है इसमें तुम लोग का, मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन मिल रहा है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन दिखा तुम लोग को, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये तुम लोग को पूछा जा सकता है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा पानी। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन अपने को करने का है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्या डेरिवेशन, देखो W इज इक्वल टू, सबसे पहले W इज इक्वल टू, W का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। अभी P एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग चेक करते हैं, सो P एक्सटर्नल का वैल्यू होता है, देखो डेल्टा P इज इक्वल टू, डेल्टा P इज इक्वल टू P माइनस P एक्सटर्नल होता है, ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी माइनस पी एक्सटर्नल होता है। यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, पी माइनस पी एक्सटर्नल, तो मुझे पी एक्सटर्नल का वैल्यू निकालना है, तो मैं पी एक्सटर्नल को ये साइड लेके आऊंगा, डेल्टा पी को ये साइड लेके जाऊंगा, तो पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू पी माइनस डेल्टा पी, ठीक है। तो ये चीज हो गई, अभी ये पी एक्सटर्नल का वैल्यू तुम लोग क्या करोगे, ये वाले इसमें पुट करोगे, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी माइनस डेल्टा पी इन टू डेल्टा वी, सो माइनस पी इंटू डेल्टा वी कितना होता है, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी देखो माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा पी डेल्टा वी, ठीक है। अभी ये जो है बहुत ही स्मॉल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास, माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। अभी इसको लेके जाके मुझे आगे डिराइव करना है, ठीक है, ओके। तो कैसे डिराइव करना है वो भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है ये चीज दिख रही है, ये यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लिमिट्स लेने हैं, इनिशियल टू फाइनल, वी वन से लेके वी टू तक, पी इंटू डी वी। अभी मेरे को बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, अगर मुझे इसमें से पी वी का ही वैल्यू चाहिए, प्रेशर का या फिर प्रेशर का वैल्यू चाहिए, तो प्रेशर का वैल्यू कैसे निकालोगे, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, तो ये जो है ये प्रेशर की जगह पे सब्सटीट्यूट करोगे, एनआरटी बाहर निकाल लिया, ये वन अपॉन वी इंटू डी वी, वन अपॉन वी का तुम लोग का इंटीग्रेशन होता है लैन वी, वी वन से लेके वी टू तक। उसके बाद तुम लोग अगर इसको लैन में लॉग में कन्वर्ट करोगे तो तुम लोग का ये फाइनल इक्वेशन आएगा। अभी पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोग को अगर वी वन सॉरी वी टू अपॉन वी वन का वैल्यू चाहिए तो पी टू को नीचे भेजोगे, पी वन अपॉन पी टू, तो यहाँ पे तुम लोग जो V2 अपॉन V1 था उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, P1 अपॉन P2 लिख सकते, ठीक है। तो ये मैक्सिमम का वर्क का तुम लोग का डेरिवेशन है, विच इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। उसके बाद इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया तो तुम लोग को ये तीन स्टेटमेंट्स लिख के आने, एनर्जी यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट होती है, टोटल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम में कॉन्स्टेंट होती है, एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, तो ये तीन स्टेटमेंट तुम लोग के आने ही चाहिए। उसके साथ साथ तुम लोग को मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्या इक्वेशन,
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जो तुम लोग इक्वेशन लिखोगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, विच स्टेट्स दैट एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और तुम लोग को दिखेगा एंथैल्पी, 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 हाँ, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, ये वाला टॉपिक भी ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी तुम लोग अच्छे से करके जाना, आगे जब हम लोग देखेंगे एंथैल्पीज जो है, ये फ्यूजन की एंथैल्पीज वगैरह एक बार रीड करके जाना, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें ना एक लॉ है, लॉ जो है वो मिल गया अपने को, लॉ मिल गया, क्या है वो लॉ, हेस लॉ, क्या है वो लॉ, हेस लॉ, ठीक है, हेस लॉ, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ, क्या बोलता है हेस लॉ, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो एंथैल्पी चेंज होता है पर्टिकुलर रिएक्शंस में, जो एंथैल्पी चेंज होता है उनका जो सम रहेगा, इट विल बी इक्वल टू द फाइनल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हेस लॉ बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके ऊपर ना, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल आ सकता है, हेस लॉ के ऊपर, ठीक है, लिख के ले लो, एक न्यूमेरिकल कंपलसरी आ सकता है, ठीक है, करके जाना, अच्छे से करके जाना इसको, ओके। चलो, स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है तुम लोगों को। एंट्रोपी, एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी इज रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को ना और एक है, इसमें बताता हूँ तुम लोग को, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्या बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इन इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब क्या है, जो टोटल तुम लोग का एंट्रोपी है, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये इंक्रीज होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, मतलब इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। उसके बाद ना तुम लोग को गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, हाँ, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी में तुम लोग को क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन तुम लोग को, हाँ, ये जो दिख रहे तुम लोग को तीन केसेस नीचे दिख रहे, ये वाले तीन केसेस, एक दो तीन, अगर डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, देखो डेल्टा एस और डेल्टा जी अपोजिट में चलते हैं एक दूसरे के, सो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस का वैल्यू लेस देन जीरो है, डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो है और डेल्टा जी टोटल भी जीरो है, तो प्रोसेस क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है। तो इतना तुम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में करोगे ना, इट इज मोर देन इनफ। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखो तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स से पास हो, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने टाइट शेड्यूल होने के बाद भी लाइव सेशंस अरेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा चाय फटाफट 2 मिनट में, ठीक है, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक चाहिए रहता ना, तुम्हारे लिए कर रहे हैं सब, ठीक है। अच्छे स्कोर लाने चाहिए तुम लोग, अच्छा इंपॉर्टेंस तुम लोग को दे रहे, तो उसका तुम लोग ना बेनिफिट उठाओ, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, एक दो दिन अच्छे से मस्त एकदम, चल बढ़ते आगे, हो गया चाय खत्म, आगे बढ़ते, ठीक है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के ऊपर आते हैं, राइट। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सबसे पहला तुम लोग का जो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है, इट इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्न विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो इंटर कन्वर्जन होता है, उससे डील करने का जो ब्रांच होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इतना याद रखो, ठीक है।
उसके बाद क्या पूछा जा सकता है तुम लोग को, उसके बाद तुम लोग को यहाँ पे ना वही नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें कंडक्टिविटी क्या होता है वो पूछा जा सकता है, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर तुम लोग को क्वेश्चन आ सकता है। एक और चीज बताता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। इसमें ना तुम लोग कूलर्स लॉ, यस वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द पेपर सेटर, कूलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। कूलर्स लॉ के बेसिस पे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ये मार्क कर लो मेरे वर्ड्स, ठीक है। कूलर्स लॉ के ऊपर आइदर लॉ आएगा, नहीं तो तुम लोग को इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। लॉ नहीं तो न्यूमेरिकल, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से करना है इसको, ठीक है, कूलर्स लॉ के ऊपर, ओके। उसके बाद ना तुम लोग को इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इसमें तुम लोग को और पूछा जा सकता है मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला। उसके बाद तुम लोग को सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट 1 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता है, पता है तुम लोग को सेल कांस्टेंट के ऊपर, क्योंकि सेल कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट व्हाट, एल अपॉन ए, सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट व्हाट, एल अपॉन ए। तो ये तुम लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें और ना इलेक्ट्रोड्स, यस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोड पहले क्या होता है वो पता पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड मतलब ना, इलेक्ट्रोड मतलब तुम्हारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है और ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड वाला जो होता है वहां पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, एनोड वाले पे हमेशा, एनोड वाले पे हमेशा क्या होने वाला है, एनोड वाले पे हमेशा होने वाला है ऑक्सीडेशन। क्या होने वाला है एनोड पे, हमेशा ऑक्सीडेशन होने वाला, क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये याद रखो, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, ओके। चलो आगे देखते हैं और क्या है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बनने का चांस, कौन सा डिफरेंस बिटवीन बनने का चांस है वो बताता हूँ तुम लोग को। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। देखो गैल्वेनिक का दूसरा नाम भी पता होना जरूरी है, वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक का दूसरा नाम क्या है, वोल्टाइक सेल, ओके। तो गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए, सिंपल बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन में, डिफरेंस तुम लोग को बता देता हूँ मैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करता है। ये जो गैल्वेनिक सेल है, ये केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखो तुम लोग। उसके बाद हाँ, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट ना इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, एनोड जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वो पॉजिटिव होता है, और कैथोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है, गैल्वेनिक सेल में जो तुम लोग एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हाँ, और एक इंपॉर्टेंट देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे, कितनी चीजें हैं, दो। मैं बताता हूँ तुम लोगों को कौन सी दो चीजें हैं। एक है तुम लोग का क्या बोलते हैं उसको, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक है तुम लोग का एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये दोनों में से ना एक आने के चांसेस, मोल्टन और एक्वियस। उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या है, गैल्वेनिक सेल के ऊपर आ गए। हाँ आ गया, फेवरेट क्वेश्चन आ गया फेवरेट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सॉल्ट ब्रिज, क्या है क्वेश्चन, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज मतलब क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। सॉल्ट ब्रिज यूट्यूब है, यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन KCl का और NH4NO3 का, एज वेल एज 5% अगार सॉल्यूशन। व्हाई वी आर यूजिंग 5% अगार सॉल्यूशन, बिकॉज अगार सॉल्यूशन इज सॉलिडिफाइंग एजेंट, अगार इज सॉलिडिफाइंग एजेंट, ओके। तो ये सॉल्ट ब्रिज का पूरा पार्ट हो गया, सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन क्या होता है, ये दो सॉल्यूशंस के बीच में न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम आता है, ये सॉल्यूशन के दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये तुम लोग के एप्लीकेशंस है सॉल्ट ब्रिज के, देखो दिए हुए फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस,
इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू सॉल्यूशंस। तो ये तुम लोग को सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, आगे 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 आगे। हाँ, और एक और एक और एक और एक इम्पोर्टेंट, ये जो तुम लोग सेल नोटेशन लिखते हो ना, ये सेल नोटेशन में ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले तुम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हो एनोड, बीच में तुम लोग डबल डैश डालते हो और यहाँ पे लिखते हो तुम लोग कैथोड। ऑलवेज रिमेंबर, एनोड जो होता है एनोड लेफ्ट में आता है, कैथोड जो होता है वो राइट में आता है, और ये जो होता है ना, ये जो होता है ये डबल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। क्या रिप्रेजेंट करती है? सॉल्ट ब्रिज। और ये जो सिंगल वाली लाइन है ना, ये सिंगल वाली लाइन, ये सिंगल वाली लाइन जो रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन। क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये कौन सा साइड का है? राइट साइड का। राइट साइड में कैथोड है, तो ये कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है ये एनोड वाला इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें वन मार्क के इसमें पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला जब तुम लोग लिख लोगे, तो उसके बाद तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या पता होना चाहिए तुम लोग को यहाँ पे, कि ई सेल जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला एनोड प्लस कैथोड होता है, लेकिन लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे मैं एनोड की जगह पे कैथोड डाल सकता हूँ, लेकिन माइनस का साइन एडअप करके। तो यहाँ पे माइनस का साइन एडअप करके मैंने क्या कर दिया, वहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है तुम लोग को, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रिडक्शन वाला डाल दिया। तो ये इसको अगर अच्छे से लिखूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ओके, नर्नस्ट इक्वेशन, इसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो। नर्नस्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमरिकल आएगा, क्या आएगा नॉन इक्वेशन के ऊपर? न्यूमरिकल आएगा, श्योर शॉट न्यूमरिकल आएगा, ठीक है, श्योर शॉट न्यूमरिकल आएगा, ठीक है। चल आगे देखते हैं। ये इक्वेशन याद रखो, ये इक्वेशन याद रखो, इसके ऊपर तुम लोग का न्यूमरिकल आएगा। एंड वन थिंग, ये जो एन है, एन, ये एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद रखो, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो है ये 0.0592 है, जो स्टैंडर्ड वाला सॉल्व करते हैं उस केस में यूज करते हैं हम लोग। ये नॉन्स इक्वेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल आने वाला है बॉस, करके जाओ अच्छे से, ठीक है। चल आगे देखते हैं। गिब्स एनर्जी का डेरिवेशन, ये वाला स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ये वाला पूछा जा सकता है तुम लोग को, ठीक है। तो ये भी एक बार अच्छे से करके जाओ। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया मेरे को, ठीक है। देखो दिख गया, दिख गया क्या क्वेश्चन आएगा तुम लोग को बताता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा तुम लोग को, डेल्टा जी नॉट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि देखो डेल्टा जी जो है वो तुम लोग का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जो ई नॉट सेल है ना, वो तुम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को ऊपर बताया, इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जिसका वैल्यू जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वजह से चेंज होता है। इंटेंसिव का मतलब होता है जिसका वैल्यू जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वजह से चेंज नहीं होता है। तो मैं बोल रहा क्या हूँ यहाँ पे, तुम लोग को क्वेश्चन ऐसा आएगा गिव रीजन में, गिव रीजन में तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, और डेल्टा जी नॉट इज एक्सटेंसिव एंड डेल्टा ई नॉट, और सिंपली ई नॉट, E नॉट जो है वो क्या है तुम लोग का? इंटेंसिव है। तो गिव रीजन क्यों है ऐसा, तो वो तुम लोग को बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? देखो अगर मैं डेल्टा जी का वैल्यू डबल कर रहा हूँ, तो डेल्टा जी का वैल्यू अगर डबल हो रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स डबल हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डबल होगा तो डेल्टा जी भी डबल होगा। तो यहाँ पे दो दो टर्म ऐड हो गए, देखो टू और टू कैंसिल आउट हो गए, तो डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ भी बचा, मतलब पहले भी वही था और डबल करने के बाद भी वही है। तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा जी वाले चेंज हो रहा है तो वो एक्सटेंसिव हो गया, लेकिन ई नॉट सेल चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ई नॉट सेल क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये याद रखो, ये पूछा जा सकता है। ओके ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, शी मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछेंगे, और इसमें बता दो तुम लोग और क्या इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के ऊपर बोला ना, तो तुम लोग को डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। ये डायग्राम्स बनाओगे तो ही तुम लोग का आगे कुछ होगा, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज सेल, सेकेंडरी वोल्टेज सेल में डिफरेंस,
प्राइमरी वोल्टेक सेल मतलब जो रिचार्जेबल नहीं होता है, वन टाइम यूज होता है। सेकेंडरी वोल्टेक सेल मतलब जो होता है रिचार्जेबल होता है। मेरे को ना इंस्टिंक्ट्स आ रहे, इंस्टिंक्ट्स ऐसे आ रहे कि ड्राई सेल के बारे में क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? ड्राई सेल के बारे में क्वेश्चन आएगा, ड्राई सेल के डायग्राम के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो ये ड्राई सेल का टॉपिक अच्छे से करके जाओ, ओके। उसके बाद लीड स्टोरेज, बैटरी और तुम लोग को बताता इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल के एप्लीकेशंस, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट वाला जो है वो है तुम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, ठीक है। यहाँ पे विवेक का कमेंट आ रहा है, सर मैं रिपीटर हूँ, मुझे सिर्फ पास होना है। देखो विवेक, सिर्फ पास होना है ना, तो हम लोग ने सीटन एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा है ना वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ने ना टॉपिक बताए हुए हैं कि कौन से टॉपिक्स अगर कर जाओगे तो भी तुम लोग पास हो जाओगे, ठीक है। तो उसमें से मैं तुम आपको बताऊंगा कि फिजिक्स जो है, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो तुम लोग अच्छे से करके जाओ, ठीक है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री कैरीज 38 मार्क्स। कितने मार्क्स है? 38 मार्क्स, ठीक है। 38 मार्क्स मतलब इट इज मोर देन इनफ। 38 मार्क्स मतलब तुम लोग लिख के 38 मार्क्स ला रहे हो, इंटरनल मैंने काउंट किया ही नहीं इसमें। सो 38 मार्क्स अच्छे से फिजिकल अच्छे से करो। फिजिकल करने के बाद टाइम बचा, थोड़ा सा टाइम है, तो ऑर्गेनिक को मत छुओ, डायरेक्ट लास्ट वाला पार्ट जो अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री को छुओ। अप्लाइड केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स आएंगे? अप्लाइड केमिस्ट्री में तुम लोग के बायोमोलिक्यूल, उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री, जो तुम लोग का ग्रीन केमिस्ट्री है थोड़ा सा स्मॉल सा पार्ट है वो कुछ नहीं, उसमें 2-3 मार्क का चैप्टर है वो, और पॉलीमर चैप्टर। ये 3 चैप्टर उठाओ स्टार्टिंग के, तुम लोग के 6 चैप्टर उठाओ, 9 चैप्टर उठाओ, खत्म करो, बात खत्म हो जाएगी, पास हो जाओगे, इजीली पास हो जाओगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को, ठीक है। चलो तो इतना कर लो, हो जाएगा, डरने का नहीं रहे। अभी क्या, अभी कितना मतलब बता रहा हूँ ना मैं, उतना करके जाओ, हो जाएगा, कुछ नहीं होता इतना, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या पढ़ना है तुम लोगों को? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज मतलब ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। ये अरेंजमेंट होता है किसका? एलिमेंट्स का, विद द हेल्प ऑफ और विद रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके बेसिस पे? उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। और कैसा अरेंजमेंट होता है? ये डिक्रीजिंग अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? डिक्रीजिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जब तुम लोग डिक्रीजिंग अरेंजमेंट करते हो तो इसमें तुम लोग को पॉइंट्स याद क्या क्या रखने हैं मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किधर गया भाई? मिल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल गया, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम लोग को याद क्या रखना है वो बताता हूँ। देखो हम लोग ने ये अरेंजमेंट किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। शुरुआत का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज मैक्सिमम, एंड फॉर विच इट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम फॉर फ्लोरिन। तो फ्लोरिन के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। देखो जब हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब नीचे वाले जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे है। अभी रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है वो सामने वाले को क्या करने वाले, रिड्यूस करने वाले हैं। अभी वो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे इसका मतलब वो खुद के होने वाले हैं, ऑक्सीडाइज होने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूँ। जो सबसे नीचे आने वाला है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो सामने वाले को इजिली रिड्यूस करेगा, इसका मतलब वो खुद इजिली ऑक्सीडाइज होगा। बराबर बोला मैंने, ठीक है। चलो ये हो गया तुम लोग का ये पार्ट, ये पॉइंट याद रखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में तुम लोग, सॉरी डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में तुम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट तुम लोग क्या याद रखोगे? नेक्स्ट पॉइंट तुम लोग ये याद रखोगे कि डाउनवर्ड जब मैं मूव करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने वाला जो एजेंट है उसका पावर इंक्रीज होगा। अगर सामने वाले को इजीली रिड्यूस कर रहा है वो, तो इसका मतलब खुद को इजीली ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड वाला है। अगर समझो मैं अपवर्ड वाले बात करूं, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि ऊपर की डायरेक्शन में क्या चीज हो रही है, तो ऊपर की डायरेक्शन में याद रखना है नीचे की डायरेक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का पावर इंक्रीज हुआ ना, तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर इंक्रीज होगा। मतलब जो फ्लोरीन ऊपर आया हुआ है, ये फ्लोरीन जो है ये सामने वाले को इजीली ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब ये खुद इजीली क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग द एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड इटसेल्फ, ठीक है। चलो इसमें बीच में तुम लोग को याद रखना है हाइड्रोजन को प्लेस किया हुआ है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है।
इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, उसमें हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज फॉर लिथियम एंड सबसे ज्यादा इज फॉर क्लोरीन, तो ये याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर। अगर समझो किसी को केमिस्ट्री नहीं आ रहा है या फिर डर लग रहा है, तो सबसे पहला चैप्टर अगर किसी को उठाना है ना, तो वो केमिकल काइनेटिक्स उठाए। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल हो जाता है और बहुत ही मतलब वेटेज भी है इसका, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से करके जाओ। केमिकल काइनेटिक्स के बाद तुम लोग सॉलिड स्टेट कर दो, सॉल्यूशन कर दो, तो तीन चैप्टर तुम लोग के इधर आयोनिक कर दो, चार चैप्टर तुम लोग के इजी वाले हो गए। थर्मोडायनेमिक्स एक कर दो, पांच चैप्टर हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत टफ लग रहा है, तो मैंने जितने टॉपिक बताए उतने कर लो, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। ओके चलो, तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले तुम लोग को आएगा एवरेज रेट क्या होता है। सो एवरेज रेट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो रेट है रिएक्शन का, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। आगे इसमें तुम लोग को है ना, इसमें तुम लोग को लॉ है, लॉ रेट लॉ, ठीक है। ये रेट लॉ जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोलते हैं रेट लॉ? रेट लॉ बोलता है रेट लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। रेट लॉ बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका? कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का रेस टू सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या बोला उसने? वापस से सुनना, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ तुम लोग को। रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये याद रखो, ये तुम लोग का लॉ है, ठीक है। तो ये लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेट लॉ के बेसिस पे ही तुम लोग ऑर्डर को भी डिफाइन कर सकते हो। ऑर्डर में तुम लोग को पहले ही बता देता हूँ, ऑर्डर मतलब होता है ये जो तुम लोग के ऊपर एक्स और वाई आ रहे हैं ना, तो ये एक्स और वाई को जब तुम लोग ऐड करते हो तो तुम लोग का जो बनता है नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्वेश्चन तुम लोग को कैसा पूछा जाएगा वो भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अगर समझो तुम लोग को पूछा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तुम लोग ए का भी ऑर्डर लोगे, बी का भी ऑर्डर लोगे। अगर तुम लोग को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर बोल रहा है वो, तो तुम लोग उस टाइम पे सिर्फ एक्स ये ऑर्डर कंसिडर करोगे। विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर बोल रहा है वो, तो उसके सिर्फ वाई कंसिडर करोगे। अगर वो ओवरऑल ऑर्डर बोल रहा है या फिर ओवरऑल टर्म यूज ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ऑर्डर बोल रहा है, तो उस केस में तुम लोग क्या कंसिडर करोगे? एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये ऑर्डर का कंसेप्ट है। ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू होती है, वो डेफिनेशन भी हम लोग अभी देखने वाले हैं उसका। देखो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ द एक्स प्लस वाई, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी क्लासिफाइड द रिएक्शन इन टू वेरियस टाइप्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो जीरो ऑर्डर में ऑर्डर क्या रहेगा? जीरो। फर्स्ट ऑर्डर में ऑर्डर क्या रहेगा? वन। सेकेंड ऑर्डर में ऑर्डर क्या रहेगा? टू, ठीक है। तो ये तुम लोग को याद रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट, मॉलिक्यूलैरिटी एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस, ओके। सो मॉलिक्यूलैरिटी एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके सो फटाफट देखते हैं, देखते, ठीक है। ओके सो लेट्स सी मॉलिक्यूलैरिटी एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं। सो एलिमेंट्री रिएक्शंस मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शंस, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस अकर इन अ सिंगल स्टेप एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। मतलब ऐसे रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं? सिंगल स्टेप में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शंस। अगर समझो सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है, मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उनको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे उनको हम लोग? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। अभी हम लोग को देखना क्या है? हम लोग को देखना है मॉलिक्यूलैरिटी। क्या देखना है हम लोग को? मॉलिक्यूलैरिटी। उसके साथ साथ हम लोग को क्या देखना है? ऑर्डर। उसके साथ साथ क्या देखना है? ऑर्डर। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। अगर ये रिएक्शन तुम लोग देखोगे, तो ये रिएक्शन में मेरे को बताओ यहाँ पे कितने कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है। देखो देयर आर, दीज आर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस और देयर मॉलिकुलरिटी इज वन।
मॉलिकुलरिटी मतलब क्या होता है वो भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ। मॉलिकुलरिटी का मतलब होता है रिएक्टेंट, क्या होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट, क्या होता है मॉलिकुलरिटी का मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इन शॉर्ट कितने रिएक्टेंट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी का मतलब क्या होता है मॉलिकुलरिटी। समझो अगर दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिकुलरिटी कितना हो गया, टू, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिकुलरिटी हो गया वन, उस वाले रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे यूनि मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो इस वाले रिएक्शन में मेरे को बताओ कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। आप बोलोगे सर यहाँ पे NO2 एक ही है ना, नहीं, कितने हैं, दो है, दिखाया ना वहां पे, तो इसका मॉलिकुलरिटी कितना हो गया दो। फर्स्ट वाले में कितना है एक और एक, एक और एक कितना होता है दो, तो इसका भी मॉलिकुलरिटी कितना हो गया दो हो गया। तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाय मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो मॉलिकुलरिटी जो होती है मेरे को पता है, मॉलिकुलरिटी जो है वो मैं देख देख के बता रहा हूँ ना, थियोरेटिकल चीजें देख देख के बता रहा हूँ। इसका मतलब मॉलिकुलरिटी जो होती है वो थियोरेटिकली डिटरमाइंड वैल्यू होती है, बट ऑर्डर जो होता है इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू, मतलब वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है अपने को। कैसे पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ तुम लोग को और एक चीज आने वाली है यहाँ पे, ऑर्डर सॉरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है कि तुम लोग के पास अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स हो गए ना, तो बहुत सारे स्टेप्स में से अगर तुम लोग को ये फाइनल रिएक्शन आया है, बराबर, मेरे को बताओ ये दो रिएक्शन हो गए, ये दो रिएक्शन से मिलके फाइनल वाला रिएक्शन मिल रहा है। मेरे को बताओ अगर मेरे को फाइनल वाले रिएक्शन का रेट निकालना है तो मैं कौन से रिएक्शन का रेट निकालू, पहले वाले का लू या सेकंड वाले का लू, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को ओवरऑल निकालना है ना, ओवरऑल किससे बना है, ये दोनों से बना है, तो राइट, तो मैं इसका वाला रेट कंसिडर करूँ या इसका रेट कंसिडर करूँ। तो यहाँ पे ध्यान तुम लोग को ये देना है कि जो स्लो स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या होता है RDS का मतलब, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, मतलब सबसे स्लो स्टेप जो होता है वही तुम लोग का रेट डिटरमाइन करता है ओवरऑल ऑर्डर का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप बिंग द स्लोअर देन द सेकेंड, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा लोगे, उसमें पहला ही लोगे, ओके। चलो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ये चैप्टर में तुम लोग के पास है, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी। इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें ऑर्डर मतलब क्या होता है, इट इज द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू, मॉलिकुलरिटी इज थ्योरेटिकल डिटरमाइंड वैल्यू। ऑर्डर का मतलब होता है सम ऑफ पावर्स जो तुम लोग के रिएक्टेंट्स के टर्म्स में रेज्ड है रेट लॉ के। देन मॉलिकुलरिटी मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। ऑर्डर जो होता है इट मे बी इंटीजर, इट मे बी फ्रैक्शन, इट मे बी जीरो, बट मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज इंटीजर, मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो। तुम लोग ऐसा बोल सकते हो क्या कि जीरो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट दे रहे हैं, नहीं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का नंबर जो होता है वो जीरो कैसे हो सकता है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस बिटवीन। नाउ हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो कि है तुम लोग का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, तुम लोग को आ सकता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारे पास दो है, एक है जीरो ऑर्डर के लिए और एक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ये दोनों के लिए तुम लोग को आ सकता है, मतलब आ सकता है, ठीक है। ग्राफ्स भी है, ग्राफ्स भी समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम देखो सेम है सब, पूरा पूरा जो डेरिवेशन है पूरा डेरिवेशन सेम है। मैं शॉर्ट में भले तो एक डेरिवेशन बता दूं तुम लोग को, रेट जो होता है वो हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है रेट लॉग के हिसाब से, रेट लॉग के हिसाब से क्या होता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और एक होता है एवरेज रेट के हिसाब से और इंस्टेंटेनियस रेट के हिसाब से जो कि होता है माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डी टी। दिस टू रेट्स आर इक्वल सो वी विल इक्वेट दिस टू इक्वेशंस। सो दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, इसमें से ये ए को डिवाइड में भेज दो, डी टी को इधर के बाजू में ला दो तो ये दिखेगा। इसके बाद तुम लोग लिमिट्स ले रहे हो तो लिमिट्स में तुम लोग इनिशियल कंडीशन ले लो ए नॉट, फाइनल वाला ले लो ए टी। ए नॉट का मतलब होता है जीरो टाइम वाला कॉन्सेंट्रेशन, ए टी का मतलब होता है टाइम टी वाला कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे तुम लोग लिमिट्स पुट करोगे, माइनस के कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो गया, तुम लोग का टाइम बचा, टाइम जीरो से लेके टी तलक, वन अपॉन ए का इंटीग्रेशन होता है लैन ऑफ ए, ए नॉट से लेके ए टी तलक। अभी तुम लोग करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जब तुम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो तुम लोग के पास ऐसा इक्वेशन दिखेगा। अभी लैन में जब माइनस होता है तो तुम लोग उसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो,
ये माइनस को जब मैं इसको दे दूंगा तो ये टर्म्स जो है वो उल्टे हो जाएंगे। अगर के का वैल्यू निकालना है तो टी को डिवाइड में भेज दो तो ये तुम लोग का इक्वेशन निकला। अभी ये लैन में निकला, अगर मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी बता दो कैसे लिखने का, जब तुम लोग को क्वेश्चन आएगा राइट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उस केस में तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तुम लोग को फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन जब करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन करते टाइम तुम लोग क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन करते टाइम बोलोगे तुम लोग एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो होता है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो है उसका ऑर्डर जो है वो कितना है, सिर्फ एक है, वो उसको बोलते हैं लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो मुझे बताओ ये के जो आया है फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पे ए नॉट आया है ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आया है, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि के जो है It depends on A naught, right? मतलब concentration, बराबर, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, ओके, आगे 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 देखते हैं, ठीक है, ओके, इसके बाद हम लोग आएंगे इंटीग्रेटेड हाफ, सॉरी, हम लोग ने पूरा लॉ कर दिया इंटीग्रेटेड रेट लॉ, अभी हम लोग आएंगे किसके ऊपर, हाफ लाइफ के ऊपर। अभी हाफ लाइफ का मतलब देखो, हाफ लाइफ के ऊपर भी जब क्वेश्चन आया ना तो तुम लोग का हाफ लाइफ के ऊपर जब क्वेश्चन आया तो तुम लोग का हाफ लाइफ को डिफाइन करना है। ठीक है, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, एक ऐसा टाइम, हाफ लाइफ का मतलब आधा टाइम नहीं होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे तुम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आधा हो गया है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, शुरुआत में अगर तुम लोग ने 100 कॉन्सेंट्रेशन अगर लिया है तो एक ऐसा टाइम जब तक तुम लोग का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिस टाइम पे जब तुम लोग का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 50 नहीं हो जाता, ठीक है, या फिर एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे तुम लोग का कॉन्सेंट्रेशन 50 हो गया उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। सो इन शॉर्ट, हाफ लाइफ का मतलब आधा टाइम नहीं होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो इतना याद रखो, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। ओके, सो हाफ लाइफ मैंने बोला, तो हाफ लाइफ में तुम लोगों को कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूं। हाफ लाइफ में तुम लोग को डिराइव करते टाइम डेरिवेशन में तुम लोग को हाफ लाइफ को डिफाइन करना है, और हाफ लाइफ को डिफाइन करने के बाद तुम लोग को यहाँ पे के इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एटी के जगह पे तुम लोग को क्या पुट करना है, इनिशियल का आधा, इनिशियल का आधा मतलब ए नॉट अपॉन टू पुट करना है। सो ये ए नॉट अपॉन टू जब पुट करोगे तुम लोग तो ये ए नॉट कैंसिल हो जाएगा और तुम लोग का जो फाइनली इक्वेशन बनेगा हाफ लाइफ का दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो आएगा 0.692 समथिंग, 0.692 आएगा, 0.692 जब आएगा तुम लोग का वैल्यू तो 693-692 के करीब आएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, के, तो ये रहेगा तुम लोग का टी हाफ। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो जब तुम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की जब तुम लोग बात करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आया है क्या टी हाफ में, नहीं आया है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है वो ए नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा तुम लोग को, क्वेश्चन ऐसा आएगा, शो दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, तो इसमें करना क्या है सर, इसमें हम लोग को सबसे पहले हाफ लाइफ को डिफाइन करना है, फिर फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ को डिराइव करना है। यहां तक पहुंचोगे, यहां तक पहुंचने के बाद तुम लोग बताओगे कि दिस इक्वेशन शोज दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। समझा क्या बोला मैंने, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना तुम लोग को। ओके, चलो आगे देखते हैं और क्या है। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुम लोग अगर देखोगे तो जिसके ग्राफ तुम लोग को बनाने हैं उसको तुम लोग को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना है, ठीक है, और फिर तुम लोग ग्राफ इजीली बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले, इसमें माइनस dA बाय dt मतलब रेट वर्सेस तुम लोग को बनाना है at, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है,
इसमें अगर y जो है वो y एक्सिस पे है तो ये जो 80 है वो तुम लोग का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब x रहेगा राइट। और ये c का वैल्यू जीरो है, देखो c का वैल्यू जीरो है ना, तो c का वैल्यू जीरो है इसका मतलब जो तुम लोग का पॉइंट जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से, कहाँ से चालू होगा, ओरिजिन से, ठीक है। ओके तो ये ग्राफ जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार देख के जाना ग्राफ्स को। आगे जो है वो क्या है, और तुम लोग को इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो गैस स्पेस के लिए है, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ सेम है। तुम लोग को जीरो ऑर्डर जब आएगा तो सबसे पहले तुम लोग को जीरो ऑर्डर का डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, उसके साथ तुम लोग आगे डिराइव करोगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके उसके बाद हाफ लाइफ सेम चीज तुम लोग को करनी है, 80 के जगह पे a नॉट अपॉन 2 पुट करना है, यस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या है वो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब होता क्या है, देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जो हम लोग को लग रहा है कि हायर ऑर्डर का है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, एक ऐसा रिएक्शन जो कि लग रहा है मुझे क्या है, हायर ऑर्डर का है, बट एक्चुअल में वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो ये अपने को गलत फहमी में डाल रहा है कि मैं हायर ऑर्डर का है लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर का है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, इसका मैं एक ट्रिक भी बता दूं, कभी भी अगर तुम लोग का वाटर है ना, वाटर, और ये वाटर जो रहेगा एक्सेस में रहेगा ना, एक्सेस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं इसका रिएक्शन का रेट लिखने जाऊंगा तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के डैश सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री और ये एच टू ओ, ठीक है। अभी जब मैं ये लिख रहा हूँ तो इसमें तुम लोग अगर देखोगे तो इसमें अगर तुम लोग देखो तो वन और ये वन, वन और वन कितना हो गया, टू, टू मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, दो। अभी ये मेरे को ऑर्डर कितना दिखा रहा है, दो, लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या बोला, ये कितने ऑर्डर का है, वन ऑर्डर का है। कैसे, वो हम लोग चेक करते हैं, मेरे को होता है ये जो एच टू है वो एक्सेस में लिया, राइट। सो एक्सेस में लिया, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लिया है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लिया है, मतलब रिएक्शन में कितना कंज्यूम हो रहा है वो मुझे पता है क्या, नहीं पता है, राइट। सो बहुत ही कम अमाउंट में कंज्यूम हो रहा है, कम अमाउंट में हो रहा है, मतलब मैंने अगर समझो फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स, 100 मोल्स वाटर के लिए है, उसमें से अगर 0.001 मोल्स अगर रिएक्ट हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बच गए ना, तो वो मैं अप्रोक्सीमेटली 100 कंसिडर कर सकता हूँ, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इन शॉर्ट H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, कॉन्स्टेंट ही कंसिडर किया मैंने, समझ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखो H2O का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट कर लिया, दैट इज के डैश डैश, तो यहाँ पे मैंने एक के डैश ऑलरेडी था, के डैश डैश के डैश, दो कॉन्स्टेंट मिलके एक नया कॉन्स्टेंट के बनाया। अगर अभी तुम लोग रेट का वैल्यू दिखोगे तो रेट का वैल्यू अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे वन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग का ऑर्डर कितना आया, वन आया, कितना ऑर्डर आया, वन आया, ठीक है। तो एक्चुअल में मेरे को शुरुआत में कितना लग रहा था इसका ऑर्डर, दो, लेकिन अभी कितना ऑर्डर है, वन। सो द रिएक्शन विच अपियर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके जस्ट अ मिनट, ओके चलो तो आगे देखते हैं अभी और क्या है, ठीक है। तो ये तुम लोग का सूडो ऑर्डर हो गया, सूडो ऑर्डर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से करके जाना सूडो ऑर्डर को, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये भी तुम लोग को वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H2O है, राइट, ये H2O जो है मैंने बताया ना एक्सेस में लिया हुआ है, राइट। अभी ये H2O जो है वो एक्सेस में लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये H2O भी क्या रहेगा, तुम लोग का कौन से इसमें आएगा, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन में आएगा। ओके चलो आगे देखते हैं और फटाफट 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 देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आएंगे कोलिजन थ्योरी के ऊपर। कोलिजन थ्योरी में क्या पूछा जाएगा तुम लोग को, कोलिजन थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, एक ऐसा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है जिसके वजह से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होंगे और आगे जाके अपने को प्रोडक्ट देंगे। सो इट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विथ ईच अदर एंड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ तुम लोग को ये याद रखना है कि कोलिजन थियोरी में तुम लोग को क्या क्या ज्यादा मैटर करता है, इट मैटर्स, क्या मैटर करता है, ओरिएंटेशन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन मैटर करता है, क्या मैटर करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन, ठीक है। अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है वो मैटर करता है, इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए जो है
वो सी और बी के साथ रिएक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में मेरे को ए बी चाहिए, क्या चाहिए मेरे को प्रोडक्ट में ए बी। अभी मुझे बताओ ए एक स्पीयर है, सी और बी यहाँ पे है, मुझे बताओ प्रोडक्ट में ए बी चाहिए ना। तो अगर सिंपल सा लॉजिक मुझे बताओ, ए और बी का मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, बीच में सी आ रहा है, मतलब ए के साथ कोलिजन होते टाइम सी का कोलिजन हो रहा है, बी का कोलिजन हो ही नहीं रहा है, तो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा क्या? ए बी नहीं मिलेगा। ए बी अगर नहीं मिल रहा है तो रिएक्शन होगा क्या आगे? नहीं होगा। समझ रहे? अभी यहाँ पे ए वाले केस में देखो, मेरे को ए बी मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो ए और बी का क्या होने वाला है? कोलिजन। और अभी ए और बी का कोलिजन होगा मतलब मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो ओरिएंटेशन मतलब जो प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल चाहिए उन्हीं का कोलिजन तुम लोग को करवाना है। अगर उनका ही कोलिजन हो रहा है तो तुम लोग को इजीली जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद तुम लोग को एक आता है, हाँ एक आता है तुम लोग का अरिनियस इक्वेशन। ठीक है, अरिनियस इक्वेशन क्या होता है? अरिनियस इक्वेशन इट इज अ इक्वेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो k इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसका मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। ठीक है, जब अरिनियस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम लोग को सबसे पहले बताना है कि अरिनियस इक्वेशन क्या करता है। अरिनियस इक्वेशन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो उसके बाद तुम लोग ये इक्वेशन लिखोगे। ये इक्वेशन के बाद तुम लोग लिखोगे कि k का मतलब क्या होता है, ऐसा लाइन से लिखने का। ठीक है, वेयर, ठीक है, बढ़ाना है अपने को, आंसर बढ़ाना है। क्या बोलोगे? वेयर k इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, उसके बाद लिखोगे a इज इक्वल टू अरिनियस कॉन्स्टेंट। अरिनियस कॉन्स्टेंट को तुम लोग और क्या नाम से बुलाते हो? फ्रीक्वेंसी फैक्टर से बुलाते हो। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे कैपिटल ई का मतलब क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होता है, आर मतलब गैस कॉन्स्टेंट होता है, टी मतलब टेम्परेचर होता है। इतने लाइन भर गए। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, उसके बाद तुम लोग आ जाने का ऊपर, कहाँ जाने का? ऊपर। और जब तुम लोग ऊपर आओगे तो तुम लोग को ग्राफिकल उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखना है वो भी तुम लोग को सिंपल है। उसके बाद तुम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करोगे, और जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो तुम लोग को ऐसा कुछ तो ग्राफ दिखेगा। ठीक है, ओके, इसके ना अरिनियस इक्वेशन के ऊपर ना एक न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, ये वाला कहा गया मैं ना, और एक फॉर्मूला यहाँ पे नीचे नीचे, हाँ देखो ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने का चांस है। ठीक है, कैसे याद रखना है? दो रेट कॉन्स्टेंट दिए रहेंगे, दो टेम्परेचर दिए रहेंगे। ठीक है, तुम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना रहेगा, या फिर एक रेट कॉन्स्टेंट दिया रहेगा, एक फाइंड आउट करना रहेगा। सो ये याद कैसे रखना है वो बता दो मेरे को। यहाँ पे K2 अपॉन K1 ना, तो K2 पहले आया ना, तो यहाँ पे T1 पहले आना चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे कौन पहले आया? K2, तो यहाँ पे कौन पहले आना चाहिए? T1। ठीक है, ऐसा याद। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया तुम लोग का केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर, जिसमें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है। ये इतना ज़्यादा कुछ ये है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 और 17। इसमें मैं तुम लोग को बोलूँगा, ये जो है ना, ये दिया हुआ है ना तुम लोग को, ये वन सेंटेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? फ्लोर स्पार का फॉर्मूला क्या होता है? CF2। क्रायोलाइट क्या होता है? Na3Al6। फ्लोरापेटाइट क्या होता है? ये याद रखो, मेरे को लग रहा है अंदर से ये इस बार पूछा जाएगा वन सेंटेंस में या फिर MCQ में। फ्लोरापेटाइट क्या होता है? ओके, उसके बाद कार्नोलाइट क्या होता है? उसके बाद काइल साल्टपेटर क्या होता है? ओके, ये चीजें जो है वो पूछी जा सकती है MCQs। ठीक है, तो ये याद रखो तुम लोग, टिकमा कर लो, टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ, मैंने पहले ही बोला है तुम लोग को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है तुम लोग को। ये देखो, पिचल ब्लेंड क्या होता है, मोनाजाइट क्या होता है, क्लेविएट क्या होता है। ओके, ये जो है ना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को ना, हाँ इसमें तुम लोग को क्या पूछा जाएगा? एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के ट्रेंड्स पूछे जाएंगे DNF ब्लॉक में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स इतने नहीं लगते पूछे जाएंगे। और क्या पूछा जा सकता है वो बताता हूँ तुम लोग को मैं। ये 16-17, हाँ राइट, 16-17 चैप्टर, राइट। तो ये 16-17 पी ब्लॉक में, सॉरी पी ब्लॉक में, ठीक है, DNF ब्लॉक बोल रहा हूँ मैं, पी ब्लॉक में। और क्या पूछे जाएंगे वो बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ना तुम लोग को बहुत सारे अकरेंस के फॉर्म दिए हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम लोग को दिया हुआ है जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? उसके बाद इप्सम, इप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? देन बैरिएट, बैरिएट क्या होता है? गैलिना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पाइराइट्स। तो इनके फॉर्मूला जो है ये पूछे जाएंगे, तो तुम लोग को ये जो है वो अच्छे से करके रखो। ठीक है, इसमें ना और इम्पोर्टेंट क्या है मैं तुम लोग को डायरेक्ट वही चीज बताता हूँ। ठीक है, पी ब्लॉक जो है बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है,
इसको तुम लोग करने बैठोगे ना तो तुम लोग की है ना मतलब पूरी वाट लग जाएगी, ठीक है? तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, वो तुम लोग करो अच्छे से। एनिमलस बिहेवियर करके जाओ फ्लोरीन का, उसके साथ साथ तुम लोग करके जाओ ना इसमें ऑक्सो एसिड करके एक टॉपिक है, ऑक्सो एसिड, ठीक है? बताता हूँ मैं, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, ओके वेट आने दो, आने दो ऑक्सो एसिड को, आने दो। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर करके जाओ, देखो आ गया ऑक्सो एसिड। इसके स्ट्रक्चर्स अच्छे से करके जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सो एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स तुम लोग अच्छे से करके जाओ, अच्छे से याद करके जाओ, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इसके। देखो इतने सारे ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर है, अच्छे से करके जाना, ओके? इसके ऊपर ना देखो ये चैप्टर में ना ऑक्सो एसिड्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है, ठीक है? उसके बाद ना तुम लोग को क्या पूछा जा सकता है बताए, इंटर हेलोजन करके एक टॉपिक है इसमें, इंटर हेलोजन करके, इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स करके एक टॉपिक है, मिल जा मिल जा मिल जा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का टॉपिक है, हाँ ये करके जाओ, डेकॉन्स प्रोसेस करके जाओ, ठीक है? डेकॉन्स प्रोसेस नेम प्रोसेस है, ठीक है? क्लोरीन का प्रिपरेशन है ये, तो ये अच्छे से करके जाओ डेकॉन प्रोसेस। उसके साथ ना और उन लोग का है हाँ मिल गया, देखा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स करके टॉपिक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स करके, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है? क्लासिफिकेशन दिया है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का, ये अच्छे से करके जाना, टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इसमें यूजेस जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के वो भी करके जाओ, स्ट्रक्चर्स, दिस स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में तुम लोग को स्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है? ओके उसके बाद देखो ये वाला टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को डायरेक्ट ना डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, क्या बताते हो क्या क्या पूछते, ठीक है? तुम लोग को XeO4 देंगे, बोलेंगे XeO4 का है ना ज्योमेट्री बताओ, तो स्क्वायर प्लानर पता होना चाहिए अपने को, XeF6 का बताओ, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, XeO3 का बताओ, ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, पता है? इसमें तुम लोग को ये भी पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है XeF2 में, ठीक है? तो ये डायरेक्ट पूछा जाएंगे डायरेक्ट, ओके? चलो आगे देखते हैं, ठीक है? ओके इसके बाद तुम लोग को ना ये वाले चैप्टर में मोस्टली इसी के ऊपर आएगा क्वेश्चन, ऑक्सो एसिड्स करके जाओ यार, मतलब मेरे को ना लग रहा है पूरा ऑक्सो एसिड्स के ऊपर आएगा यार, ठीक है? अभी हम लोग आते हैं ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन के ऊपर। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन में ना तुम लोग को क्या याद रखना है, देखो ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन में तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, डी एंड डी ब्लॉक का भी एंड एफ ब्लॉक का भी। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो तुम लोग को है ना इसका देखो ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद रखो, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कॉपर का ऑब्जर्व्ड, कॉपर का एंड क्रोमियम का, कॉपर एंड क्रोमियम का ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स इसमें। उसके साथ तुम लोग को इसमें और क्या है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ट्रेंड्स याद रखो, किसका सबसे ज्यादा डेंसिटी है, किसका सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस है। और इसमें ना हाँ ये जो फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल आने का चांस है, ठीक है? ये फॉर्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल आने का चांस है, ठीक है? और इसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा गया, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखो ये ऐसा ऐसे ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तुम लोग, ठीक है? एक या दो मार्क के लिए या फिर एमसीक्यू में भी आ जाएगा। कलर, कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है तुम लोग को। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन कंपल्सरी आने वाला है, ओके? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एक बार पढ़ के जाना,
उसके साथ ना बताता हूँ मैं, और ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम एक बार देख लेना, इसका ना तुम लोगों को नेमिंग करने के लिए आ सकता है। ठीक है, जोन स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन भी एक बार देख के जाना। ओके, उसके बाद हाँ, ये यहाँ पे है क्या इसका डिफरेंस बिटवीन है, ये डिफरेंस बिटवीन करके जाओ। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन करके जाओ, ये ढूंढ रहा हूँ। कास्ट आयन, व्रॉट आयन एंड स्टील, इन तीनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इनर ट्रांजिशन दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी करके जाना। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद तुम लोग को एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आ सकता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में देखो, दिखा ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा। ठीक है, तो ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से करके जाना। उसके बाद ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो मैंने तुम लोग को बोले याद रखने, तुम लोग को ये एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें और ओके, इसमें इतना ही है मोस्टली। ओके, इसमें इतना ही पार्ट है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन करके जाओ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड के बीच में। ओके, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड जो है वो इंपॉर्टेंट है एंड आ सकता है पेपर में। ठीक है, ओके, और एक इंपॉर्टेंट है इसमें, ट्रांस यूरेनियम क्या होता है, ट्रांस यूरेनियम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम लोग को फर्स्ट जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आएगा पता है क्या, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। पहले तो लिगेंड्स को डिफाइन करो, फिर उसके बाद लिगेंड्स याद रखो, याद रखो, हमेशा बोल रहा हूँ ध्यान रखो, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, लिगेंड्स बींग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इसलिए वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं वो, लुईस बेस होते हैं। और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ लिगेंड में क्या पूछेंगे तुम लोग को, टाइप्स ऑफ लिगेंड में पूछेंगे कि कौन से टाइप्स है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड एक हो गया, पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गया। पॉलीडेंटेड लिगेंड में एग्जाम्पल याद रखो, पॉलीडेंटेड में पहला होता है बाइडेंटेड, जिसका एग्जाम्पल है इथिलीन डायामाइन। उसके बाद होता है इथिलीन डायामाइन टेट्रा एसीटेट, विच इज EDTA, इट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। ओके, उसके बाद एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल से याद रखो। कोऑर्डिनेशन, हाँ इसमें ना मैं तुम लोग को डेफिनेशन लिख के देता हूँ, वो अच्छे से करके जाना। ठीक है, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, एक होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, और उसके बाद एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया, एक होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस है ना, ये डेफिनेशंस तीनों एक दूसरे के तरह ही है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो सामने वाला क्या करता है, यही ऐसे ही क्वेश्चन डालता है जो तुम लोग को थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे, होते नहीं है बट वो लगेंगे थोड़े से। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग ऐसे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करके लेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशंस मैंने जो बोले ना, इसमें एक और ऐड कर दो, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो डेफिनेशन तुम लोग करके लो। ठीक है, इसके बाद तुम लोग को देखो दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसके बारे में। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल सॉल्ट एंड मोर सॉल्ट। डबल सॉल्ट का एग्जांपल है तुम लोग का मोर सॉल्ट। ठीक है, एक होता है डबल सॉल्ट, उसका एग्जांपल है मोर सॉल्ट, एज वेल एज मोर सॉल्ट और कार्नलाइट। दोनों अच्छे से करके जाओ, फॉर्मूलाज लर्न करके जाओ, डबल सॉल्ट के एंड मोर सॉल्ट के एंड कार्नलाइट के। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखो, मोर सॉल्ट पूरी की पूरी डिसोसिएट हो जाता है, डबल सॉल्ट पूरी की पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, इसमें और एक है तुम लोग के पास, एक होता है जो थियोरी अभी मैं बोलने जा रहा हूँ तुम लोग को, वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्नर थियोरी। वर्नर थियोरी के टोटल पॉस्टुलेट्स है, वो पॉस्टुलेट्स अच्छे से पढ़ के जाओ, वर्नर थियोरी के पॉस्टुलेट्स पूछे जा सकते हैं।
प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी की वजह से अपने को ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है, सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो तुम लोग को पढ़ के जानी है ये वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें एक ही लिगेंड रहेगा, एक ही टाइप का लिगेंड रहेगा, ठीक है। हेटरोलेप्टिक मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप्स के लिगेंड्स रहेंगे। न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स, जिनके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी, आईयूपीएसी के ऊपर एक ना एक श्योर शॉट क्वेश्चन जो है वो आने का चांस है, मतलब है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हाई वेटेज चैप्टर है, इसके ऊपर तुम लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तुम लोग का आईयूपीएसी बन सकता है, ठीक है। तो आईयूपीएसी अच्छे से करके जाओ, नाम से स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर से नाम, ये दो क्वेश्चन तुम लोग के बनते हैं। प्लस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज ईएएन रूल, ईएएन रूल भी बहुत ज्यादा इजी है और इंपॉर्टेंट है। ईएएन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस एक्स प्लस वन, जिसमें से जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एक्स का मतलब तुम लोग का होता है, एक्स का मतलब अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे एक्स का मतलब होता है कि कितना तुम लोग का जो है लिगेंड जो है, ठीक है, सो कितना लिगेंड जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल, कितना मेटल, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और वाई का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए हैं लिगेंड के, ठीक है। तो ये ईएएन रूल इज इंपॉर्टेंट, आइसोमरिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आइसोमरिज्म में तुम लोग देखोगे स्टीरियो आइसोमरिज्म, सीस एंड ट्रांस, ये तो ज्यादा मतलब ज्यादा इसमें जोर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इजी है, ये अपने को समझ सकता है, ठीक है। इनेंशियोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, स्ट्रक्चरल, हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कर भी जाओ। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पहला है तुम लोग के पास लिंकेज आइसोमर, उसके बाद तुम लोग का है आयोनाइजेशन आइसोमर, तुम लोग को ना डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग दे देगा वो, कि लिंकेज आइसोमर को मैच करो, आयोनाइजेशन आइसोमर को मैच करो, उसके साथ साथ तुम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर को मैच करो, या फिर डायरेक्ट पूछेगा टाइप्स ऑफ आइसोमर बताओ। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सॉल्वेंट आइसोमर क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी थोड़ा सा एक बार देख के जाना ऊपर ऊपर से, वीबीटी, वीबीटी के ऊपर इतना नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूछेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड दे देंगे तुम लोग को, कंपाउंड का स्पिन पूछेंगे, लो स्पिन है हाई स्पिन है वो पूछेंगे, तुम लोग को पूछेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है उसका, हाई मैग्नेटिक है, सॉरी डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, उसके साथ साथ तुम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, स्ट्रक्चरल पूछेंगे, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर पूछेंगे, ओके। तो ये सब चीजें तुम लोग को उसमें पूछेंगे, मेरे को लगता है ना इसमें क्या पूछेंगे पता है आपको, ये वाला जो है ना, ये स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर एक पूछ सकते हैं, और ये टेट्राहेड्रल, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ना ये ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, समझ रहे हैं, NaCN4 है और NaCl4 है, तो ये दोनों पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ये दोनों अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजिंग एनर्जी का, ये जो तुम लोग का है ना, ये वाला जो पूरा तुम लोग के पास सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एक बार देख के जाना, पढ़ के जाना अच्छे से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजिंग एनर्जी में। और तुम लोगों को क्या पूछा जा सकता है, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं तुम लोग को बताता हूँ। EDTA जो है, एक तो है तुम लोग का प्लैटिनम, प्लैटिनम का यूज़ जो है वो तुम लोग इसमें यूज़ करते हो, कैंसर में यूज़ करते हो, एंड प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स का नाम होता है सिसप्लैटिन, सिसप्लैटिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हो। EDTA जो होता है वो लीड पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ऑल्सो EDTA इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ अ वाटर, मीन्स वो हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है EDTA। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉम्प्लेक्स यूज करते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, आज हम लोग ने कवर किया, क्या कवर किया हम लोग ने आज पूरा, हम लोग ने आज फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। कल के लाइव सेशन में हम लोग पूरा का पूरा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो चार चैप्टर से तुम लोग के अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, HDA एंड अमाइंस, प्लस जो लास्ट के तुम लोग के तीन चैप्टर बचते अप्लाइड केमिस्ट्री के, वो कंप्लीट करेंगे। सो दैट हम लोग का जो केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है वो दो लाइव सेशन में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे,
और सो दैट तुम लोग जो तुम लोग का पेपर है केमिस्ट्री का पेपर इजी जाएगा, देखो बहुत इजी जाएगा पेपर, तुम लोग स्ट्रेस नहीं लेने का, बस थोड़ा ना चीज़ों को रिवाइज करो। मैंने जितने भी टॉपिक्स तुम लोग को बताया ना इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स तुम लोग अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से पढ़ोगे ना तो ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा कुछ तुम लोग को इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो और जो चीज़ें बताई है वही चीज़ों पर फोकस करो, एक्स्ट्रा चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है। चलो थैंक यू। सो यहाँ पे हम लोग अपना लाइव सेशन जो है वो एंड कर रहे हैं, हम लोग कल मिलेंगे लाइव सेशन।